Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام مؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير عزيز ساتھیو الحمد لله آج ہمارے دور قرآن کا 14th دن ہے اور ہم अल्हम्दुलिल्लाह आज 14th पारा शुरू कर रहे हैं अल्लाह ताला की तौफीक से। बेशक 14th पारा का जो आगाज़ है ये सूरह हिज्र से होता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपके सामने सूरह हिज्र का ही तारुफ रखूंगी। इस वक्त मेरा लैपटॉप किसी वजह से ऑन नहीं हो रहा, तो मैं मोबाइल पर ही हूँ और मुमकिन है मैं किसी वक्त बीच में थोड़ा सा ब्रेक लूंगी अगर ये ऑन हो जाए। अजीज साथियों, सूरह हिज्र जो है ये मक्की सूरह है, इसकी 99 आयात हैं और इसके टॉपिक्स के हवाले से 5 पैराग्राफ्स हैं। इसका मरकजी मज़मून है आफाकी नफ्सी और तारीखी दलाइल से कानून जजा व सजा और आखरत का इस बात मुशरिकीन को हलाकत की धमकी, काफरों के दबाव और दुनिया परस्ती से बचकर दावत व तबलीग का काम जारी रखने की हिदायत। और जो पैराग्राफ्स में इसके जिस तरह से टॉपिक्स डिवाइड होते महसूस होते हैं वो ये हैं कि पहला पैराग्राफ 1-15 अल्लाह के रसूल गो मजनून
अल्लाह के रसूल को मजनून कहने वालों और कुरान का मजाक उड़ाने वाले मुजरिमों को हलाकत की धमकी है। मैं दूसरे पैराग्राफ में जो के आयात 16 टिल 25 है, आफाकी दलाइल से तौहीद व आखरत पर इस्तदलाल किया गया। फिर तीसरा पैराग्राफ जो आयात 26 टिल 50 है, अनफसी दलाइल किस्सा आदम व इबलीस और मार्का खैर व शर, खैर व शर की जजा और सजा का कानून। उसके बाद फिर चौथा पैराग्राफ जो है, चौथा पैराग्राफ आयात 51 टिल 84, जजा और सजा के तारीखी दलाइल। इसमें कुछ इस तरह तरतीब रहेगी कि आयात 51 टिल 56 किस्सा इब्राहिम, आयात 57 टिल 77 किस्सा लूत, आयात 78 टिल 79 किस्सा असहाबुल आइका, और फिर आयात 80 टिल 84 किस्सा असहाबुल हिज्र। ठीक है, तो कौम समूद, तो ये एक कुछ टॉपिक्स की डिवीजन थी जो मैंने आपके सामने रखी। ज़माने नज़ूल के हवाले से जो बात रख सकती हूँ ये है कि गालिबन 11 या 12 नबी में नाजिल हुई, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मजनून और मसूर करने के इल्ज़ाम का चर्चा आम था और मुखालफत अपनी शिद्दत पर थी। कुरैशी लीडर अल्लाह के जिक्र यानी कुरान को पागलपन करार दे रहे थे। अजीज साथियों, ये बैकग्राउंड बहुत अहम है, पस मंजर, इसको गौर से सुनिएगा और इसको जहन नशीन कर लीजिए, क्योंकि जब हम सूरह हिज्र पढ़ रहे होंगे, उसके तर्जमे से गुजर रहे होंगे, तो आयात असल में इसी टॉपिक को लेके चल रही होती हैं। तो वो अगर आपका बेसिक टॉपिक आपके जहन में है तो फिर मैं समझती हूँ कि आपको आयात के लिए भी कोई बहुत तशरीहात या तफासीर खोलने की जरूरत नहीं होती। जब बेसिक बैकग्राउंड आप जानते हैं तो फिर बल्कि तर्जमा पढ़ने और सुनने का अपना एक असर होता है, इंसान की तवज्जो बल्कि सारी उसके ऊपर रहती है और वो बहुत फायदा मंद होता है कुरान के ऊपर गौर व फिक्र और तदब्बुर के लिए। तो मैं एक दफा फिर दोहरा देती हूँ, बल्कि गालिबन 11 या 12 नबी में नाजिल हुई और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मजनून और मसूर करने के इल्जाम का चर्चा आम था और मुखालफत अपनी शिद्दत पर थी, कुरैशी लीडर अल्लाह के जिक्र कुरान को पागलपन करार दे रहे थे और इस्तेहज़ा और तमस्कुर से काम लेने वाले कुरैश के लीडरों को कौम लूत, असहाबुल अयका और असहाबुल हिज के की हलाकत से डराया गया। सूरह हिज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली भी है कि चंद सालों के अंदर अंदर यही लीडर अपने रवैयों पर नादिम होंगे और इनकी जबानों पर होगा काश हम मुसलमान हो जाते, लाओ कानू मुस्लिमीन। ये पेशगोई 2 हिजरी में बड़े बड़े लीडरों की हलाकत और 8 हिजरी में फतह मक्का की सूरत में पूरी हुई। सूरतुल हिज्र का ज्यादातर हिस्सा सूरह इब्राहिम के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम मक्का के चौथे और आखिरी दौर 11 ता 13 नबी में नाजिल हुआ। बाज आयात गालिबन एलाने आप के वक्त नाजिल हुई। उसके बाद सूरह हिज्र का किताबी रब, पहला पिछली सूरत इब्राहिम में अय्यामुल्लाह का अजमाली जिक्र था, यहाँ सूरह हिज्र में इबलीस लाइन की पैरोकार मुजरिम कुरैशी क़यादत के इस्तेहज़ा पर कौम लूत, असहाबुल अयका और असहाबुल हिज्र की हलाकत के तफसीली तस्करे से फहमाइश की गई है। पॉइंट तो ये कि अगली सूरह नहल में कुरैश की मुजरिम क़यादत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की सौले क़यादत का मुवाजना किया गया, दोनों सूरतों के आखिर में दावत और तबलीग के आदाब बयान करके मुसलमानों को तसल्ली दी गई है और हिदायत से नवाजा गया है। ठीक है अजीज साथियों, ये था सूरह हिज्र का एक कुछ तफसीली तारुफ जो मैंने आपके सामने रखा और अब हम इसको शुरू करते हैं। Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را ये आयात हैं किताबे इलाही और कुराने मुबीन की। बईन नहीं कि एक वक्त वो आ जाए जब वही लोग जिन्होंने आज दावत इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया है पछता पछता कर कहेंगे कि काश हमने सर तस्लीम खम कर दिया होता। छोड़ो इन्हें, खाएं पिए मजे करें और भुलावे में डाले रखे इनको झूठी उम्मीद। अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। अजीज साथियों, अब आयात 3-8 में नाफरमानों के लिए अजाब का वक्त तय है। ये मौजू है तर्जुमा अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। हमने इससे पहले जिस बस्ती को भी हलाक किया है इसके लिए खास मुद्दत अमल लिखी जा चुकी थी। अजीज साथियों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम के गम में घुले जाते थे कि वो ईमान ले आए। अल्लाह बार बार आपको तसल्ली देता है। कौम गफलत में खोई भी थी, खाने पीने के मेले ठेले, आखरत को मोहम और बईद जानकर मजों में मस्त थी। अजीज साथियों, जैसे मैं हमेशा बात रखती हूँ कि कुरान जब ये हमें पास्ट की बात भी बता रहा होता है तो वो असल में हमारे लिए करंट और फ्यूचर गाइडेंस होती है। इसलिए जब हम इस कौम का जिक्र पढ़ रहे हैं तो हमें इसके साथ साथ अपनी कौम को इस वक्त रिलेट करना है अपने तौर पर, ठीक है। तो हर शख्स जो है वो खुद सोचे इस वक्त मैं और मेरी कौम किस में मुनहमिक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम के गम में घुले जाते थे कि वो ईमान ले आए। अल्लाह बार बार आपको तसल्ली देता था। कौम गफलत में खोई भी थी, खाने पीने मेले ठेले, आखरत को मोहम और बईद जानकर मजों में मस्त थी। गोया इसे हमेशा यहीं रहना है। इस पर अल्लाह ताला फरमाता है, छोड़ो इन्हें, इनके गम में हलकान ना हो। एक वक्त ऐसा आएगा जब पछतावों के सिवा कुछ ना होगा, अकॉर्डिंग टू सूरह 3 और 4। मैं जब इसको मैंने पढ़ा तो कल भी जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे वो ख्याल आया, एक जगह एक तहरीर पढ़ी थी कि पता है मोहब्बत क्या है, पता है मोहब्बत क्या है। 1400 साल पहले हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात तहज्जुद में रोते हुए दुआ करना, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तर्जुमा, कोई कौम ना अपने वक्त मुकर्रर से पहले हलाक हो सकती है ना उसके बाद छूट सकती है। ये लोग कहते हैं, ऐ वो शख्स जिस पर जिक्र नाजिल हुआ है तू यकीनन दीवाना है, अगर तू सच्चा है तो हमारे सामने फरिश्तों को ले क्यों नहीं आता। अजीज साथियों, तमाम पैगंबरों को दीवाना कहा गया, हालांकि पहले यही लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इज्जत करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्कि सादिक और अमीन कहते थे। इस्लाम चूंकि इनकी ख्वाहिशात नफ्स पर जर्ब लगाता और मनमानी जिंदगी से रोकता था, लिहाजा कोई ठोस बात बनना पड़ती और इतनी सच्ची पाकीजा जिंदगी गुजारने और इस्लाम की राह में सब कुछ कुर्बान कर देने वाले को फिर दीवानगी कहकर पुकारा जा रहा था। यही आज का भी किस्सा है अगर हम गौर करें। बाज़ औक़ात जो अपने रब से क़ुर्ब हासिल करने के लिए उसकी समाअत में लगा होता है, उसकी उसको राजी करने की कोशिशों में मुनहमिक होता है, तो उसके ऊपर भी बाज़ औक़ात उंगलियां उठती हैं। और ये वही बात है जो कि मैं पिछले कई दिन से रखती हूँ कि वक्त आगे जा रहा है लेकिन ह्यूमन माइंड सेट जो है वो जो शुरू में था वो आज तक वही है। नेकी जो वो थी आज भी वही नेकी मौजूद है, बदी भी हर शक्ल में पहले भी मौजूद थी आज भी मौजूद है और इसी में हम सबकी छांटी हो रही है।
ترجمہ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں عزیز ساتھیوں اللہ نے خود قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے سورہ ہجر آیت 9 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان دیا کہ اس کا محافظ اللہ خود ہے اور یہ قرآن کا معجزہ ہے 1400 سال پہلے میں ایک حرف شوشہ نہیں بدلا دنیا بھر سے قاری صاحبان بلوا لیجئے ذرا برابر فرق نہ ہوگا اس کا عملی ثبوت ہارون رشید کے دربار میں بھی ایک یہودی نے دیا کیسے ایک فصیح و بلیغ یہودی آیا اسے مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی اس نے رد کر دی اگلے سال آیا تو مسلمان تھا وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ میں خطاط اور خوش نویس ہوں میں نے امتحان کی غرض سے تورات کے 3 نسخوں کی کتابت کی ہے اس میں بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی یہودیوں نے ہاتھوں ہاتھ 3 نسخے خرید لیے یہی عمل انجیل کے ساتھ دہرایا عیسائیوں نے ہاتھوں ہاتھ خرید لیے پھر قرآن کے 3 نسخوں سے یہ عمل دہرایا تو جس نے خریدے واپس کر دیے کہیں بھی فروخت نہ ہو سکے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کر رہا ہے ترجمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح صلاح کی مانند گزارتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے قدیم سے اس تماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کا وہ دھوکہ ہو رہا ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت مضبوط قلعے بنائے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن بن لے لے پھر اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے اب نے زمین کو پھیلایا اس میں پہاڑ جمائے اس میں ہر نو کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں باہر آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو عزیز ساتھیوں بارش مفت میں برستی ہے اس کے نعمت ہونے کا ہمیں احساس نہیں ہوتا اللہ یہی یاد دہانی کروا رہا ہے اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو آج یہ آیت بہت اچھی سمجھ آ سکتی ہے کہ پانی کتنی بڑی دولت ہے آسمان سے مفت پانی برستا ہے زمین پر ہم اس کے بل اور ٹیکس ادا کرتے رہتے ہیں مصنوعی بارش برسانا چاہیں تو وہ اتنی مہنگی ہے کہ کئی ہزار روپے میں لگیں اور تھوڑی سی بارش برسے ہیلی کاپٹر سے جبکہ اللہ تعالیٰ ٹنوں پانی سمندروں سے بھاپ بنا کر اٹھاتا اور شفاف پانی برساتا ہے اور ہمیں اس کی قدر احساس نہیں اللہ کی قدرت کا ادراک نہیں جس کو قرب چاہیے ہے اس کو یہ ادراک پیدا کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے غور و فکر کرنا پڑتا ہے تدبر کرنا پڑتا ہے پھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور یہی کائنات اس کے لیے اپنے رب تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے عزیز ساتھیوں مجھے چند لمحے کا بریک لینا ہے میں لیپ ٹاپ پہ شفٹ ہو رہی ہوں اس وقت
जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितनी देर में आलिया बाजी हमें रीजॉइन करती हैं, प्यारी बहनों, हम एक हदीस की से गुजरते हैं, रमज़ान के हवाले से है। रमज़ानुल मुबारक की शुरू होती ही जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। प्यारी बहनों, जैसे कि हमें मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा जिस तरह हमारे सोने जागने और खाने पीने पर एक किस्म की एक रूटीन हमें बनाते हुए हमें एक तरबियत देता है, इस तरह हमें जब्ते नफ्स की भी मुकम्मल तरबियत देता है। और जैसे कुरान पाक में है कि शहर रमदान अल्लज़ी उन्जिल फीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। प्यारी बहनों, आलिया बाजी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, हम सेशन को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। جزاك الله خيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمہ: जिंदगी और मौत हम देते हैं और हम ही सबके वारिस होने वाले हैं। पहले जो लोग तुम में से हो गुजरे हैं उनको भी हमने देख रखा है और बाद के आने वाले भी हमारी निगाह में हैं। यकीनन तुम्हारा रब इन सबको इकट्ठा करेगा, वो हकीम भी है और अलीम भी। हमने इंसान को सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से बनाया और उससे पहले जिन्हों को हम आग की लिपट से पैदा कर चुके थे। फिर याद करो उस मौके को जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से एक बशर पैदा कर रहा हूं, जब मैं उसे पूरा बना चुकूं और इसमें अपनी रूह से कुछ फूंक दूं तो तुम सब इसके आगे सजदे में गिर जाना। चुनांचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सवाए इबलीस के, कि उसने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया। रब ने पूछा, ए इबलीस, तुझे क्या हुआ कि तूने सजदा करने वालों का साथ ना दिया? इसने कहा, मेरा ये काम नहीं है कि मैं इस बशर को सजदा करूं जिसे तूने सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से पैदा किया। रब ने फरमाया, अच्छा तू निकल जा यहां से क्योंकि तू मर्दूद है और अब रोजे जजा तक तुझ पर लानत है। उसने अर्ज किया, मेरे रब ये बात है तू तो फिर मुझे उस रोज तक के लिए मोहलत दे जबकि सब इंसान दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा तुझे मोहलत है उस दिन तक जिसका वक्त हमें मालूम है। वो बोला, मेरे रब जैसा तूने मुझे बहकाया उसी तरह अब मैं जमीन में इनके लिए दिल फरेबियां पैदा करके इन सबको बहका दूंगा। अजीज साथियों, मैं यहाँ रुकती हूँ क्योंकि जो शैतान का ये अज्म है ये हमें अपने रब से दूर करने का अज्म है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात रखूंगी कि इबलीस का तरीका वारदात क्या है। दिल फरेबियां पैदा करके अगवा करना, अकॉर्डिंग टू सूरह हिज 39। अब वो बदी को खूबसूरत बनाता है, नेकी को मुश्किल और फीका महसूस करवाता है। कभी आपने महसूस किया इस चीज को? बदी कि ग्लैमर में इंसान को फंसा कर अगवा कर लेता है। इस ग्लैमर को मैं समझती हूँ में से बहुत सारे बल्कि सभी महसूस करते हैं क्योंकि ग्लैमर इज ग्लैमर, और इसके ईमान के हाथ पैर तोड़कर यानी बंदे के ईमान के हाथ पैर तोड़कर इसे बेबस कर देता है। मैं फिर दोहराती हूँ, वो बदी को खूबसूरत बनाता है, नेकी को मुश्किल और फीका महसूस करवाता है। बदी के ग्लैमर में इंसान को फंसा कर अगवा कर लेता है और इसके ईमान के हाथ पैर तोड़कर इसे बेबस कर देता है। और मसलन आज के दौर में मसलन, मगर मैं एक 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 मिसाल सामने रखूं कि बेहयाई को बेहयाई नहीं समझा जाता, बड़े जोर और शोर के प्रोपेगेंडे के साथ समझाया जाता है कि भाई ये तो देखें ये ऐसे और ऐसे और ऐसे है और ये कुछ
राइट्स का मसला है और कुछ ये फ्रीडम का मसला है, कुछ ये है और वो है। तो यानी बड़े जोर और शोर के प्रोपेगेंडे के साथ समझाया जाता है। ये वही बात है, जुनू का नाम खिर्द रख दिया खिर्द का जनू, जनू का नाम खिर्द रख दिया खिर्द का जनू, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा सास करे। आज का मसलन मीडिया अब जिन हाथों में है, वो बड़े फखर से ऐसे कामों का अलल ऐलान ऐसे कामों का इजहार पेश करते हैं, तो फिर नेकी और शराफत तो मुंह छुपा कर बैठ जाती है। मौलाना जफर अली खान ने बहुत ही सादा अल्फाज में एक बहुत बड़ी हकीकत बयान कर दी। बड़ी गौर करने वाली बात है अजीज साथियों, गौर से सुनिएगा। ये बुजुर्गान के तजर्बात हैं जो उन्होंने वक्त को दौर को देखकर हासिल किए और हमें मुंतकिल कर गए। मौलाना जफर अली खान ने बहुत ही सादा अल्फाज में एक बहुत बड़ी हकीकत यूं बयान की, वो जिन्स नहीं ईमा जिसे ले आए दुकान फलसफा से, वो जिन्स नहीं ईमा जिसे ले आए दुकान फलसफा से, ढूंढे किसे मिलेगी आकिल को, सॉरी ढूंढे से मिलेगी आकिल को ये कुरान के सिपारों में। वो जिन्स नहीं ईमान जिसे ले आए दुकान फलसफा से, ढूंढे से मिलेगी आकिल को ये कुरान के सिपारों में। आकिल से यहाँ मुराद अजी साथियों उलूल अलबाब है, यानी आकिल गौर व फिक्र करने वाला बंदा, सोच विचार करने वाला बंदा। क्योंकि जब गौर व फिक्र और सोच विचार की जाए तो फिर हमें माशरे का चलन बहुत क्लियर नजर आता है, क्योंकि वो नजर पैदा हो जाती है कुरान के जरिए कि इंसान को नेकी नेकी ही दिखाई दे रही होती है और बदी बदी ही दिखाई देती है। तर्जुमा, सवाए तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने इनमें से खालिस कर लिया, और फरमाए ये रास्ता जो सीधा मुझ तक पहुंचता है, बेशक जो मेरे हकीकी बंदे इन पर तेरा बस ना चलेगा, तेरा बस तो सिर्फ उन बहके हुए लोगों ही पर चलेगा जो तेरी पैरवी करें, और इन सब के लिए जहन्नुम की वईद है। ये जहन्नुम जिसकी वईद पैरवाने इबलीस के लिए की गई है, यानी इबलीस के फॉलोअर्स के लिए। तर्जुमा, इसके सात दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उनमें से एक हिस्सा मखसूस कर दिया गया है, बाखिलाफ इसके मुत्तकी लोग बागों और चश्मों में होंगे और उनसे कहा जाएगा कि दाखिल हो जाओ इनमें सलामती के साथ बेखौफ खतर। उनके दिलों में जो थोड़ी बहुत खोट खपट होगी इसे हम निकाल देंगे, वो आपस में भाई भाई बनकर आमने सामने तख्तों पर बैठेंगे, उन्हें ना वहां किसी मुशक्कत से पाला पड़ेगा और ना वो वहां से निकाले जाएंगे। अजीज साथियों, अब आयात 49-60 में अहम मौजू है कि अल्लाह रहम भी करता है और अजाब भी देता है। तर्जुमा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत दरगुजर करने वाला और रहीम हूं, मगर इसके साथ मेरा अजाब भी निहायत दर्दनाक अजाब है, और इन्हें जरा इब्राहिम के मेहमानों का किस्सा सुनाओ, जब वो आए उसके हां और कहा सलाम हो तुम पर, तो उसने कहा हमें तुमसे डर लगता है, उन्होंने जवाब दिया डरो नहीं, हम तुम्हें एक बड़े सियाने लड़के की बशारत देते हैं। इब्राहिम ने कहा क्या तुम इस बुढ़ापे में मुझे औलाद की बशारत देते हो, जरा सोचो तो सही कि ये कैसी बशारत तुम मुझे दे रहे हो। उन्होंने जवाब दिया हम तुम्हें बरहक बशारत दे रहे हैं, तुम मायूस ना हो। इब्राहिम ने कहा अपने रब की रहमत से मायूस तो गुमराह लोग ही हुआ करते हैं। फिर इब्राहिम ने पूछा ए फरिश्ता गाने इलाही वो मुहिम क्या है जिस पर आप हजरात तशरीफ लाए। वो बोले हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, सिर्फ लूत के घर वाले मुस्तस्ना हैं, इन सब को हम बचा लेंगे सवाए उसकी बीवी के, जिसके लिए अल्लाह फरमाता है कि हमने मुकद्दर कर दिया है कि वो पीछे रह जाने वालों में शामिल रहेगी। अजीज साथियों, अब आयात 61-84 में कौम लूत अलैहिस्सलाम, कौम शुएब अलैहिस्सलाम और कौम समूद का अंजाम बयान हुआ है। तर्जुमा, फिर जब ये
जब ये फरिश्तादे लूत के यहाँ पहुंचे तो उसने कहा आप लोग अजनबी मालूम होते हैं। उन्होंने जवाब दिया नहीं बल्कि हम वही चीज लेकर आए हैं जिसके आने में ये लोग शक कर रहे थे। हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक के साथ तुम्हारे पास आए हैं, लिहाजा अब तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों को लेकर लेकर निकल जाओ और खुद इनके पीछे पीछे चलो। तुम में से कोई पलट कर ना देखे, बस सीधे चले जाओ जिधर जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। और उसे हमने अपना ये फैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते होते इन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। इतने में शहर के लोग खुशी के मारे बेताब होकर लूत के घर चढ़ आए। लूत ने कहा भाइयों ये मेरे मेहमान है, मेरी मेरी फजीहत ना करो, अल्लाह से डरो, मुझे रुस्वा ना करो। वो बोले क्या हम बारहा तुम्हें मना नहीं कर चुके हैं कि दुनिया भर के ठेकेदार ना बनो। लूत ने आजिज होकर कहा अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, तेरी जान की कसम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त उन पर एक नशा सा चढ़ा हुआ था जिसमें वो आपे से बाहर हुए जाते थे। आखिरकार पो फटते ही उनको एक जबरदस्त धमाके ने आ लिया और हमने उस बस्ती को तलपट करके रख दिया और इन पर पक्की हुई मट्टी के पत्थरों की बारिश बरसा दी। इस वाक्य में बड़ी निशानियां उन लोगों के लिए जो साहिब फरासत हैं, और वो इलाका जहां ये वाकया पेश आया था गुजरगाह आम पर वाकया है, उसमें वाकई है, उसमें सामान्य इबरत है उन लोगों के लिए जो साहिब ईमान है। और ऐका वाले जालिम थे तो देख लो कि हमने भी उनसे इंतकाम लिया और इन दोनों कौमों के उजड़े हुए इलाके खुले रास्ते पर वाकया है। हिज्र के लोग भी रसूलों की तकजीब कर चुके हैं। अजीज साथियों ये जो हिज्र के लोग जो है ये कौम समूद का मरकजी शहर था, इसके खंडर मदीना के शुमाल मगरिब में मौजूदा एक शहर है, वहां से चंद मील के फासले पर वाकया है। और मदीना से तबूक जाते हुए ये मकाम शाहराए आम पर मिलता है और काफले इस वादी में से होकर गुजरते हैं मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक कोई यहाँ क़याम नहीं करता। और एक इंटरेस्टिंग इन्फो ये है कि 8वीं सदी हिजरी में इब्ने बतूता हज को जाते हुए यहाँ पहुंचा था। वो लिखता है कि यहाँ सुर्ख रंग के पहाड़ों पर कौम समूद की इमारतें मौजूद है जो उन्होंने चट्टानों को तराश तराश कर इनके अंदर बनाई थी। उनके नक्श व निगार इस वक्त तक ऐसे ताजा हैं जैसे आज बनाए गए हों। इन मकानात में अब भी सड़ी गली इंसानी हड्डियां पड़ी हुई मिलती हैं। तर्जुमा, हिज्र के लोग भी रसूलों की तकजीब कर चुके हैं, हमने अपनी आयात उनके पास भेजी, अपनी निशानियां उनको दिखाई मगर वो सबको नजरअंदाज ही करते रहे। वो पहाड़ तराश तराश कर मकान बनाते थे और अपनी जगह बिल्कुल बेखौफ और मुतमईन थे। आखिरकार एक जबरदस्त धमाके ने उनको सुबह होते आ लिया और उनकी कमाई उनके कुछ काम ना आई। अजीज साथियों अब इन अकवाम का जिक्र के बाद अब आयात 85-99 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खसूसी खिताब है। तर्जुमा, हमने जमीन और आसमानों को और इनकी सब मौजूदात को हक के सिवा किसी और बुनियाद पर खल्क नहीं किया है और फैसले की घड़ी यकीनन आने वाली है, पस ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इन लोगों की बेहूदगियों पर शरीफाना दरगुजर से काम लो। यकीनन तुम्हारा रब सबका खालिक है और सब कुछ जानता है। हमने तुमको साथ ऐसी आयतें दे रखी हैं जो बार बार दोहराई जाने के लायक है। अजीज साथियों यानी सूरह फातिहा की आयत, अगरचे बाज लोगों ने इससे मुराद वो सात बड़ी बड़ी सूरतें भी ली हैं जिनमें दो सौ आयतें यानी सूरह अल बकरा, अल इमरान, सूरह निसा, सूरह मायदा, सूरह अल इनाम, सूरह अल एराफ और सूरह यूनुस या इनफाल और तोबा, लेकिन सल्फ की अक्सरियत इस पर मुत्तफिक है कि इससे सूरह फातिहा ही मुराद है। बल्कि इमाम बुखारी ने दो मरफू रवायतें भी समर के सबूत में पेश की हैं कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
سبا من المسانی سے مراد سورہ فاتحہ بتائیے. اس کے ترجمہ, اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے. عزیز ساتھیوں, سرداران مکہ کے مال و اسباب اور جائیداد کے بالمقابل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس خزانے کی خبر دی گئی ہے؟ سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم کو ساری مال و متاع کے بالمقابل جو نعمت آپ کو عطا کی گئی, وہ اکارڈنگ ٹو سورہ ہجر 87, وہ اتنی عظیم الشان, وہ اتنی عظیم الشان ہے کہ دنیاوی مال و متاع اس کے مقابل آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے جانے کے لائق نہیں. وجہ, میں بات کو پھر دوبارہ دہراتی ہوں, میں تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو گئی تھی. سرداران مکہ کے مال و اسباب اور جائیدادوں کے بالمقابل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس خزانے کی خبر دی گئی ہے؟ سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم کو ساری مال و متاع کے بالمقابل رکھا گیا کہ جو نعمت آپ کو عطا کی گئی ہے. سورہ ہجر آیت 87, وہ اتنی عظیم الشان ہے کہ دنیاوی مال و متاع اس کے مقابل آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے جانے کے لائق نہیں. وجہ, دنیاوی مال و متاع چند روزہ زندگی کی ٹیپ ٹاپ ہے جو دنیا ہی میں ساتھ چھوڑ جاتی ہے, آخرت میں خالی ہاتھ جہنم تاپنے کو ملے گا. اس کے برعکس سورہ فاتحہ اور قرآن وہ نعمت عظمیٰ ہے جس سے دائمی جنت خریدی جا سکتی ہے. یہ کمپیریزن ہے. ترجمہ, تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے, اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ. انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو, اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جسے ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے. تو قسم ہے تیرے رب کی, ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. بس اے نبی, جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو, اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو. عزیز ساتھیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت کھل کر دینے کا حکم دیا گیا. کفار مکہ تو ستانے مذاق اڑانے پر تلے بیٹھے تھے, لیکن پھر بھی آپ کو یہ حکم دیا گیا. کیوں؟ باطل کی پرواہ کیے بغیر حق کی دعوت ہانکے پکارے دے ڈالنے کا حکم آ گیا سورہ 94 میں. اس سے پہلے کا مرحلہ خاموشی سے چھپ کر عبادت و تبلیغ کا تھا. اللہ کی مدد پشت پناہی کا اعلان بھی تو ہمراہ ہے نا, جس کے بلبوتے پر کفر کے مقابل علل اعلان جس کے بلبوتے پر کفر کے مقابل علل اعلان کھڑا ہو جانے کا پھر حکم ہے. ترجمہ, تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں. قریب انہیں معلوم ہو جائے گا, ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو, اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ, اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. عزیز ساتھیوں, آج کے دور میں بھی اہل ایمان کے لیے یہی نسخہ ہے, جب وہ تکلیف دہ باتیں سنیں تو اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو, اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ, اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. اس موقع پہ میں نے آپ کے ساتھ آج جو لٹریچر چوز کیا ہے شیئر کرنے کے لیے, ہماری الحمدللہ سورہ ہجر مکمل ہو گئی. لٹریچر کتاب ہے داعی اعظم از مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب, بڑا خوبصورت ایک تحریر ہے, غور سے سنیے گا عزیز ساتھیوں.
छोटी सी हेडिंग दी हुई है इसको मुसन्निफ ने, चश्मे तसव्वुर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार। मुसन्निफ लिखता है, ख्याल की सारी कुव्वतों को समेट कर चश्मे तसव्वुर से जरा इस सरापा इस तराब हस्ती का दीदार कुरान के आईने में कीजिए। सूरह तौबा आयत 128, लोगों तुम्हारे पास तुम ही में से, तर्जमा, लोगों तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल आए हैं, तुम्हारा गुमराही में पड़ना इन पर इंतहाई शाक है, तुम्हारी हिदायत के लिए वो इंतहाई हरीस है और मोमिनों के लिए इंतहाई शफीक व मेहरबान है। आगे मुसन्निफ लिखता है कि कुफ्र और शिर्क के तारीख तरीन माहौल में एक हिसास इंसान आंख खोलता है, वो अपने चारों तरफ हजारा खुदाओं की परस्तिश होते देखता है, बद किरदारी और बद इखलाकी की हयासोज हरकतें देखता है, जुल्मों से तब के खत्म न होने वाले इंसानियत सोच मनाजिर देखता है तो वो गुड़ता है। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का ये हाल इससे देखा नहीं जाता, वो इनकी हिदायत के लिए बेचैन हो जाता है, शौक हिदायत में घुलता है और इसी फिक्र और गम में वो अपने खुदा के हुजूर गड़गड़ाता है, परवरदिगार मुझ पर सबर उंडेल दे और मेरे कदमों को जमा दे और इन काफरों के मुकाबले में मेरी मदद कर। रब्बना अफ़रिग अलैना सब्रं वसब्बित अक़दामना वंसुरना लिल्क़ौम अल-काफ़िरीन, सूरह बकरा आयत 250। ए अल्लाह, तू हमारे लिए राह सबर कुशादा कर दे, हमारे कदमों को इस्तक़ामत बख्श और हमें काफरों पर फताह नुसरत अता फरमा। और खुदा सब्र सबात की बेपनाह कुव्वत देकर वादा करता है, हम तुम्हारे पुश्त पनाह हैं, तुम हमारी निगाहों के सामने हो, हम एक लम्हे के लिए तुमसे गाफिल नहीं है, हम ना तुम्हें जाया होने देंगे और ना तुम्हारा अजर जाया होने देंगे, तुम खुल्लम खुल्ला एक खुदा की दावत दो। शिर्क के हौलनाक अंजाम और जहन्नुम की बरातनाक तबाही से अपनी कौम को बचाने के लिए जिस्म जान की सारी कुव्वतें लगा दो। फिर हम देखते हैं कि शौक और दर्द से सरशार एक बेकरार इंसान है, और फिर हम देखते हैं कि शौक और दर्द से सरशार एक बेकरार इंसान है जिसे शब और रोज एक ही धुन है, एक ही गम है और एक ही लगन है कि खुदा से बिछड़े हुए खुदा के बंदे खुदा से मिल जाएं। इसी गम में इसकी रातें कटती हैं, इसी शौक और दौड़ धूप में इसके दिन बीतते हैं, गुमराहों को अपने खुदा से बेजार और गाफिल देख कर इसका दिल रोता है, इसकी आंखें आंसू बहाती हैं और वो एक एक के दिल में खुदा का ये पैगाम जमाने और भूला हुआ सबक याद दिलाने के लिए बेचैन है कि खुदा के बंदो, तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, इसी ने तना माँ के पेट में तीन अंधेरों के अंदर तुम्हें पैदा किया, हसीनो जमील जिस्म दिया, बेपाया सलाइते दी और अपनी तखलीक का शाहकार बनाकर तुम्हें दुनिया में भेजा। वही अब भी तुम्हारी परवरिश कर, जमीन से लहलहाती खेतियां वही उगाता है, आसमान से पानी वही बरसाता है, सूरज और चांद को इसी ने तुम्हारी खिदमत पर लगा रखा है, शब और रोज की ये गर्दिश इसी के हुक्म से है, इसी ने पूरी कायनात को अपनी कुदरत से तुम्हारे लिए मुसख़्खर कर रखा है, ना तुम्हारे पैदा करने में कोई इसका शरीक है और ना जमीन और आसमान के पैदा करने में, ना तुम्हारी परवरिश में कोई इसका मुइन और मददगार है और ना इसकी और ना इस कायनात की हुक्मरानी में कोई इसका शरीक कार है, वो खुदा एक ही है, इसका कोई शरीक नहीं, तुम्हारी बंदगी का तन्हा वही मुस्तहिक है, इसी की इबादत करो, इसी की इताअत करो, इसी से दुआएं मांगो, इसी के सामने आजी करो, इसी से मदद चाहो, इसी से मोहब्बत करो, इसी पर भरोसा करो और इसी से खुशनुदी हासिल करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत शब रोज पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत शब और रोज पे लोग काम कर रहे हैं उनको मस्जिद ना दें, सब दूसरों से। जज़ाकअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत शब और रोज फिजा में गूंजती है, लेकिन थोड़े से लोग इस दावत को कबूल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काम में लग जाते हैं, बाकी मक्के के सारे संग दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन बनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सताने लगते हैं, कभी नमाज पढ़ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर ऊंट की गलीज ओज लाकर डालते हैं, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाते हैं,
कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहबी, मजनून, शायर और काहिन कहकर दिल दुखाते हैं, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर दस्तराजी करते हैं, कभी गर्म रेत पर लिटाकर ऊपर से वजनी पत्थर रखकर ईजा देते हैं, कभी दहकते अंगारों पर लिटाते हैं और कभी जंजीरों और रस्सियों से बांधकर मक्के की गलियों में घसीटते हैं, कभी ताइफ के बाजारों में पत्थर बरसाते हैं। और इन सारे हालात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौक़े हिदायत का हाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गड़गड़ाकर इन जालिमों के लिए दुआएं मांगते हैं, शबो रोज इनके गम में जान घुलाते हैं और एक ही धुन है कि किसी तरह ये ईमान की दौलत से महरूम नादान दौलत ईमान से माला माल हो जाए। खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बेकरारी और सोजो गम खुदा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बेकरारी और सोजो गम पर प्यार आता है और कहता है सूरह कहफ, शायद इस रंज और गम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने को हलाक ही कर डालेंगे अगर ये लोग इस कलाम हिदायत पर ईमान न लाए। आखिर में मुसन्निफ लिखता है, ये मुख्तसर सी आयत एक साफ आईना है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी तस्वीर पेश कर रहा है और हम चश्मे तसव्वुर से देख रहे हैं कि एक बेकरार दाई है जिसका शौक, वलवला, तड़प, सोच, दर्द, लगन और हौसला किसी तरह इसको चैन से नहीं बैठने देता। इसे अपने मकसद से सच्चा इश्क है और वो हर वक्त इसी धुन में है कि अपने रब को खुश करने के लिए भटके हुए बंदों को इससे मिलाए और इसी शौक हिदायत में घुलकर अपनी जान हलाक किए दे रहा है कि खुदा के बंदे खुदा के सच्चे कलाम पर ईमान ले आए। ये हसी और दिलकश जिंदगी जिसको चश्मे तसव्वुर से देख देख कर आप रूहानी सरूर और सुकून और ईमान की ताजगी महसूस कर रहे हैं, ये हयात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अहम पहलू दायाना किरदार की एक दिला आवेज झलक है। अजी साथियों, ये खूबसूरत लिटरेचर था जो मैंने सोचा था कि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। अब आगे बढ़ते हैं और अब शुरू होगी सूरह नहल। सूरह नहल का जो तारुफ है वो आपके सामने रखती हूँ जी साथियों। सूरह नहल जो है ये इसकी 128 आयात है, मक्की सूरा है और टॉपिक्स के एतबार से हम इसे 6 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसका मरकजी मजमून जो है वो ये है कि मुनकरीन तौहीद और रिसालत और आखरत से मुजादला, खालिक और रब को इलाह भी तस्लीम करने का मुतालबा, खालिक और रब को इलाह भी तस्लीम करने का मुतालबा, मुसलमानों को सबर, तकवा, हिकमत और एहसान के साथ दावत और तबलीग जारी रखने की हिदायत, और जो इसके पैराग्राफ्स हैं उनकी तफसील काफी तवील है। और मुझे अभी ये भी याद आया कि इस वक्त आज हमारी साथी ने युसरा अपील करनी है। मैं पैराग्राफ्स को नहीं पढ़ूंगी आज इस वक्त पैराग्राफ्स, क्योंकि माशाल्लाह वैसे तो छह पैराग्राफ्स हैं लेकिन इसकी अंदर तफसील काफी है इसलिए इसको आज स्किप करती हूँ और जमाने नजूल रखती हूँ साथ। सूरह नहल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम मक्का के आखिरी दौर गालिबन 12 नबी में कहद के अख्ताम पर हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई, चुनाचे सूरत में मजलूम साबिर मुतवक्कल मुसलमानों के लिए हिजरत की तरगीब है। बाज आयात दौर कहत यानी 7 नबी में नाजिल हुई, बाज आयात दौर तशद्दुद में नाजिल हुई, जैसे आयत नंबर 106 के बारे में कहा जाता है कि ये हजरत अम्मार बिन यासिर रदिल्लाहु अन्हु के बारे में नाजिल हुई थी, इब्ने हिशाम की रिवायत है, जिसमें मुसलमानों को रुख्सत दी गई कि वो ईमान पर कल्बी साबित कदमी के साथ जान बचाने के लिए जबान से कलवा कुफर भी अदा कर सकते हैं। सूरह की जो खसूसियत है वो ये कि पहला पॉइंट, सूरत के आगाज में तौहीद खालकियत के दलाइल है, फिर रिसालत की गर्ज़ो गाय बताई गई है यानी तमाम रसूलों को अल्लाह की बंदगी और इताअत इख्तियार करने और अपने वक्त की तागूती सरकश क़यादत से बचने का हुक्म दिया गया है। और पॉइंट टू, इस सूरत में फरिश्तों की इस सूरत में फरिश्तों की अलूवियत का रद्द भी है कि यानी उनका कोई अल्लाह के साथ इस तरह का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो भी उसकी खुदाई में शरीक हो। पॉइंट थ्री, सूरत में मुस्लिम क़यादत और मुशरिक क़यादत का तकाबुल भी मौजूद है और मुशरिक क़यादत के खिलाफ फर्द जुर्म चार्जशीट भी। और आखिरी पॉइंट ये कि सूरह नहल सूरह आले इमरान से पहले नाज़िल हुई, ऐसा लगता है कि उसकी तवहीद है
चुनाचे मदीना में इस्लामी माशरे के क्याम के लिए हलाल व हराम के इब्तदाई अहकाम आयात 115-116 अदल व एहसान की तालीम 90 और अहद व पैमान की पासदारी का सबक भी दिया गया है। सूरह नहल का किताबी रब पहला पॉइंट, पिछली सूरत सूरह हिजर में मजाक उड़ाने वालों और मुजरिमीन की हलाकत का जिक्र था, और यहाँ इस सूरत नहल में कुरैश की मुशरिक और मगरूर क्यादत यानी मुतकबरीन का तस्करा है। सूरह नहल में हिजरत मदीना की पेशगोई भी और फजीलत भी। अगली सूरत बनी इसराइल में बाकायदा तौर पर हिजरत की दुआ सिखाई गई है। और आखिरी पॉइंट, तौरात के अहकाम अशरा की तरह आखिरी उम्मत को अहकाम दिए गए ताकि मदीना मुनव्वरा में एक इस्लामी माशरत और इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी जा सके। अजीज साथियों, जब मैंने पैराग्राफ्स के आज टॉपिक्स नहीं पढ़े तो हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ स्क्रीन पर आपको आयात के ग्रुप्स भी नजर आते हैं, इंशाल्लाह आपको वहां से अच्छी रहनुमाई मिल जाएगी। मैं अब ब्रेक लेती हूँ और जिन साथी की आज अपील है प्लीज आप अपील कीजिए। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों, आपको यूसरा प्रोजेक्ट यानी यूरोप में एक इस्लामिक सेंटर के बारे में बताना है। उससे पहले हल्का का तारुफ और कुछ सरगर्मियों। हल्का नूरुलईमान उर्दू बोलने वाली मुसलमान खवातीन की एक तंजीम है जो 2005 से जर्मनी में काम कर रही है। इसका नस्बुलैन अल्लाह की रजा और आखरत की कामयाबी का हुसूल है। ये जर्मनी में रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी मदद आपके तहत चल रही है। उसके मकासद खवातीन और नौजवानों को माशरे का कारामद शहरी बनाने की कोशिश करना और इनफरादी और इज्तिमाई तरबियत के मौके फराहम करना। हल्का नूरुलईमान किसी भी सियासी पार्टी या किसी दीगर इदारे पर इन्हिसार नहीं करता। हल्का के तहत मुख्तलिफ इदारे मसलन किंडरगार्टन, नौजवानों के सेंटर्स, तालीमी कोर्स की तर्ज के इदारों का क्याम मुमकिन है। मुआशरे में मौजूद इस्लाम से मुतलिक शुभात और एतराजात और गलत फहमियों को दूर करके इस्लाम का मुस्बत इमेज कायम करना। हल्का नूरुलईमान इस्लाम की दावत, अपनी तरबियत और मुनज़म होकर चलना सिखाता है। यूरोप में मुकीम मुसलमान खवातीन, बच्चों और नौजवानों को अपने मजहब और कल्चर पर अमल के साथ इस माशरे का मुस्बत और मुअस्सर हिस्सा बनने में मदद देता है ताकि हम दीगर मजाहिब के साथ पुरअमन जिंदगी बसर कर सकें। हल्का नूरुलईमान की सरगर्मियां मुख्तसर आपको बताती हूँ। नूर स्कूल सिस्टम, जो कि छोटे बच्चों के लिए एक स्कूल सिस्टम है जहाँ पे यूथ और बच्चों के लिए कुरान और तफसीर की क्लासेस अरेंज की जाती हैं, लैंग्वेज क्लासेस भी अरेंज की जाती हैं। इसके अलावा ख्वातीन के लिए कुरान की तजवीद और तफसीर की क्लासेस, जर्मन और डेनिश जबान का बच्चों का रिसाला अलजन्ना, उर्दू जबान का ख्वातीन का रिसाला कारवां, ख्वातीन और यूथ की काउंसलिंग की सर्विस, दौरे कुरान जिससे आप गुजर रहे हैं ये हर साल ऑफर करता है हल्का नूरुलईमान। इसके अलावा यूथ के लिए यूथ विंग ऑफ नूरुलईमान यूनी के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स ऑफर करता है। हमारी वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब यानी मीडिया सेल भी काम कर रहा है, और यूसरा प्रोजेक्ट यूरोप में इस्लामिक सेंटर का प्रोजेक्ट है। इन सरगर्मियों के अलावा हम आपस में मिल बैठने के मौके भी मुख्तलिफ मौाकों पे फराहम करते हैं। मसलन खसूसी प्रोग्राम्स हैं, कल्चरल इवेंट्स हैं, पिकनिक्स हैं, समर कैंप्स हैं, विंटर कैंप्स हैं, इबादत के लिए हॉल है। अब इस्लामिक सेंटर की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये जितनी सरगर्मियां आपको अभी बताई हैं इसमें जगह की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हल्का नूरुलईमान ने 2018 से इस्लामिक सेंटर का प्रोजेक्ट यूसरा प्रोजेक्ट के नाम से शुरू किया है। साथियों, वैसे तो आप कहीं भी अपनी ज़कात सदकात दे सकते हैं, लेकिन हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस मरतबा अल्लाह ताला को इस यूसरा प्रोजेक्ट के लिए कर्ज हसना अदा करें। सोचें क्या ही नज़ारा होगा कि आखिरत में आपको एक सोने की चाबी दी जाए, एक घर की चाबी
کیوں دی جائے گی کیونکہ آپ نے اس دنیا میں اللہ کے لیے ایک گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوگا اس کے دین پر عمل ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے گا وہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 1400 سال پہلے ہمارے لیے تہجد میں گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے ہماری بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں ان کی سیرت کو سیکھا جائے گا اور ایک ایسے گھر کے لیے آپ نے اس دنیا میں محنت کی ہوگی تو آخرت میں آپ کو وہاں پہ چابی دی جائے گی ہر جمعہ میں ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں نا بہنوں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈر دیتا ہے آیت 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال اور اولاد زینت ہیں دنیا کی زندگی کی اور باقی رہ جانے والی نیکیاں بہتر ہیں تمہارے رب کے پاس ان کا ثواب ہے اور بہتر امید والا ہے کل ہم نے سورہ رعد پڑھی تھی سورہ رعد میں آیت نمبر 22 سے 24 کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں اور جن لوگوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے نیکی کی راہ میں پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور جو نیکیوں سے برائیوں کو مٹا دیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ خود ان کے باپ دادا ان کی بیویوں میں سے اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے سب داخل ہوں گے اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا پس آخرت کا گھر کتنا اچھا گھر ہے پیاری بہنوں ہم نے اس دنیا میں جو بھی خرچ کیا وہ تو ختم ہو گیا لیکن اس دنیا میں ہم نے اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا وہ اللہ کے پاس جمع ہو گیا اور وہی اصل سرمایہ ہے کورونا کی وجہ سے آج کل حالات مشکل ہیں پچھلے سال سے ہماری جو ایکٹیویٹیز ہم فنڈ جمع کرنے کے لیے کرتے تھے وہ ممکن نہیں ہے اس لیے پیارے ساتھیوں آئیے خود بھی اس اصل اللہ کے پاس جمع ہو جانے والے سرمایے کو زیادہ سے زیادہ جمع کریں اور اپنے دوستوں فیملی رشتہ داروں پڑوسیوں کو بتا کر صدقہ جاریہ کمائیں ہمارا ٹارگیٹ 10 لاکھ یورو کا ہے ہم نے بلڈنگ کے لیے تلاش بھی شروع کی ہوئی ہے اس کے لیے پراپرٹی ایجنٹ بھی ہائر کیا گیا ہے اب تک میں نے کل رات میں چیک کیا اکاؤنٹ تاکہ میں آپ کو ایگزیکٹ فگر بتا سکوں 2,70,000 یورو ہمارے پاس جمع ہوا ہے فائنینس آفس ایسے پروجیکٹس کے لیے 3 سال کی مدت دیتا ہے 3 سال کی ہماری مدت پوری ہوئی ہے جو ٹیکس فری ہوتی ہے لیکن ہم نے فائنینس آفس کو مزید ٹیکس ایگزمپشن کے لیے اپلیکیشن دی ہوئی ہے امید ہے اور آپ سب کی دعاؤں سے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اس مدت میں اضافہ ہوگا بہنوں میں دیکھ رہی تھی کل جب میں نے اکاؤنٹ چیک کیا تو اس میں مجھے جو ہمارے لائف ٹائم ڈونرز ہیں ان کے علاوہ کسی کی طرف سے کوئی ڈونیشن نہیں سامنے نظر آئی میں اس سوچ میں پڑ گئی کہ کیا ہمارے رب جو ہم سے ایک قرض حسنا مانگتا ہے اس کو دینے کے لیے ہمارے پاس ایک ڈونر تک کی رقم نہیں ہے جرمنی میں اگر آپ ایک ڈونر لیں تو تقریباً آج کل 5 یورو تک کا ہو چکا ہے تو کیا ہمارے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے کام کے لیے اس کی راہ میں خرچ کریں اور کیا ہم کبھی کوئی ایسا وہ نہیں کرتے کوئی کسی یعنی یہ سوچ بھی نہیں آتی ہے کہ صدقہ ہم نکالیں تاکہ ہم سے ہماری مصیبتیں ہمارے برے اعمال ہماری آزمائشیں ٹل جائیں بہنوں آگے بڑھیے اپنے لیے اللہ کے پاس آگے صدقہ جاریہ جمع کروائیے صدقہ یا زکوٰۃ دینے کے طریقے مختلف ہیں ہمارے پاس آپ بینک کے ذریعے بھیج سکتے ہیں جو کہ آپ کے پاس فلائرز میں بینک اکاؤنٹ بتایا گیا ہے اس کے علاوہ رقم بھیجنے کے لیے مختلف سروسز مثلاً ویسٹرن یونین ہے ریمٹ ہے ٹرانسفر وائز ہے یا اس طرح کی دیگر سروسز ہیں آپ کسی بھی ذریعے سے ہمارے اکاؤنٹ میں رقم بھیج سکتے ہیں پے پال ہے کہیں کچھ نہیں ہے تو کیش تو آپ اپنے پاس جمع کر ہی سکتے ہیں اور ہمارے جو جن بہنوں کے فون نمبرز ہیں ان سب پہ واٹس ایپ کی سہولت موجود ہے فلائر میں
आप इनसे रابطہ कीजिए, आप यहाँ पे दौरे कुरान के दौरान हमसे रابطہ कीजिए, आप हमारे HNI सर्कल ग्रुप्स में رابطہ कीजिए, आपको गाइड किया जाएगा कि आप किस तरीके से अपने लिए आखिरत का सामान कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि आपने ये जो अपील इस वक्त सुनी है, इसको सुनने के बदले में भी आपके लिए ढेरों ढेर अजर लिख दे। प्यारी बहनों, आगे बढ़िए और न खुद इस कार्य खैर का हिस्सा बनिए, बल्कि अपने जानने वालों तक भी ये बात पहुंचाइए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। प्यारी शफक जी, अजीज साथियों, मैं दोबारा शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सूरह नहल का तर्जुमा। अजीज साथियों, तर्जमा पढ़ने से पहले तीन फोर रख देती हूँ कि आयात 1-2 में मुशरकीन मक्का के लिए दो टोक ऐलान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तर्जमा, आ गया अल्लाह का फैसला, अब इसके लिए जल्दी ना मचाओ, पाक है वो और बाला और बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। वो इस रूह को अपने जिस बंदे पर चाहता है अपने हुक्म से मलाइका के जरिए नाजिल फरमा देता है, इस हिदायत के साथ कि लोगों को आगाह कर दो, मेरे सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है, लिहाजा तुम मुझी से डरो, उसने आसमान और जमीन को बरहक पैदा किया है, वो बहुत बाला और बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। उसने इंसान को एक जरा सी बूंद से पैदा किया और देखते देखते सरीहन वो एक झगड़ालू हस्ती बन गया। इसने जानवर पैदा किए जिसमें तुम्हारे लिए पोशाक भी और खुराक भी और तरह तरह के दूसरे फायदे भी, उनमें तुम्हारे लिए जमाल है जबकि सुबह तुम इन्हें चरने के लिए भेजते हो और जबकि शाम इन्हें वापिस लाते हो, वो तुम्हारे लिए बोझ ढोकर ऐसे ऐसे मकामात तक ले जाते हैं जहां तुम सख्त जाफिशानी के बगैर नहीं पहुंच सकते। हकीकत यह है कि तुम्हारा रब बड़ा ही शफीक और मेहरबान है, उसने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवार हो और वो तुम्हारी जिंदगी की रौनक बने, वो और बहुत सी चीजें तुम्हारे फायदे के लिए पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म तक नहीं है। अजीज साथियों, सूरह नहल 8 के हवाले से बात रखती हूँ कि अगर हम आज जब इसको पढ़ते हैं तो आज के दौर में इंसान सोचे कि घोड़े और खच्चर और गधों का क्या काम है, आज ये दौर तो पहिए और हमानो गाड़ियों का दौर है, लेकिन कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं कि वो कभी बदलती नहीं है। आज भी दुनिया में बेशुमार दुश्वार गुजार इलाके वो हैं जहां आमद और रफ्त के जराए भी जीप भी साथ बल्कि छोड़ जाती है, और ये चौपाई हैं जो बोझ ढोकर हमारी जरूरियात पूरी करते हैं। फौज और पुलिस को भी अब तक बाज़ुकात कुछ जगहों पर खच्चर घोड़े से काम लेना पड़ता है, जलजले आ जाए जहां पर तो वहां भी दुश्वार गुजार, खासतौर पर अगर वो पहाड़ी इलाके हों तो दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में भी इनकी इफादियत हमें अच्छी तरह फिर मालूम होती है। और फिर ये जो कहा गया कि बहुत सी फायदे की चीजें जिनका तुम इल्म नहीं रखते, बिल्कुल ऐसा ही है, वक्त गुजरने के साथ साथ बेशुमार राज खुलते चले जाते हैं, अल्लाह के बेशुमार खामोश कारकुन हमारी खिदमत में लगे हुए हैं जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। मसलन कुछ कीड़े होते हैं केंचुए जो हमें अच्छे नहीं लगते, खामोशी से जमीन की ऊपरी तहों की मट्टी निगल निगल कर इसमें ऑक्सीजन गुजारते काबिले काश्त बनाते हैं, अपना हिस्सा डालते रहते हैं। चील कव्वे को आप अल्लाह की बल्दिया समझ लें जो कूड़ा करकट साफ करने का काम सर अंजाम देते हैं। यानी अगर हम आज की साइंस भी पढ़ते जाएं तो अल्लाह के राजों और हमारी खिदमत गुजारों की तवील फहरिस्त सामने चली आती है। तर्जुमा, और अल्लाह ही के जिम्मे सीधा रास्ता बताना जबकि रास्ते टेढ़े भी मौजूद हैं, और अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता, वो ही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया जिससे तुम खुद भी सैराब होते हो और तुम्हारे जानवरों के लिए भी चारा पैदा होता है, वो इस पानी के जरिए से खेतियां उगाता है और जैतून और खजूर और अंगूर और तरह तरह के दूसरे फल पैदा करता
اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غفر کرتے ہیں. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھے اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت سی نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی بھی چلتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. عزیز ساتھیوں, اکارڈنگ ٹو سورہ نحل 14, اللہ نے ہمارے لیے انگنت خزانے آبی ذخیروں میں بھی رکھے ہیں. نہ صرف تر و تازہ گوشت, مچھلی, جھینگے وغیرہ, بلکہ زینت کی چیزیں جو زیورات میں استعمال ہوتی ہیں. اور آج تو سمندروں میں سی بیڈ سے رکس کے ذریعے تیل حاصل کیا جاتا ہے, لیکن رب کا فضل تلاش کرتے ہوئے شکر گزاری کا تصور انقا ہے, مفقود ہے. وہ رب ہے جس کی یہ عطا ہے, لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کی دھوم میں یہ پہچان کھو گئی, یہ شکر گزاری کھو گئی. ترجمہ, اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. عزیز ساتھیوں, اکارڈنگ ٹو سورہ نحل آیت 15, قرآن میں پہاڑوں کو میخوں سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ جس طرح میخ کا ایک حصہ باہر نظر آتا ہے اور باقی وہ اندر گڑی بھی ہوتی ہے, اسی طرح پہاڑ جتنا سطح زمین پر نظر آتا ہے, میخ کی مانند اس کا باقی حصہ زمین کے نیچے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ عظیم شان بلندی کے حامل پہاڑ گوند کے ساتھ, جسے گم کہتے ہیں, گوند کے ساتھ زمین کی اوپری سطح پر گویا چپکائے گئے ہیں. اللہ کی قدرت زبردست ہے. ترجمہ, اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں ہی یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. عزیز ساتھیوں, یہاں میں رکوں گی اور بات کو ایسے شروع کروں گی کہ پہلے اور دوسرے فقرے کے درمیان ایک پوری داستان انکہی چھوڑ دی ہے, اس لیے کہ وہ اس قدر عیاں ہے کہ اس کے بیان کی حاجت نہیں. اس کی طرف محض یہ لطیف اشارہ ہی کافی ہے کہ اللہ کی بے پایا احسانات کا ذکر کرنے کے معن بعد اس کے غفور و رحیم ہونے کا ذکر کر دیا جائے. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جس انسان کا بال بال اللہ کے احسانات پہ بندھا ہوا ہے, وہ اپنے محسن کی نعمتوں کا جواب کیسی کیسی نمک حرامیوں, بے وفائیوں, غداریوں اور سرکشیوں سے دے رہا ہے, اور اسی لیے اپنے رب سے دور, بہت دور, بے حد دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اور پھر اس کا محسن کیسا رحیم اور حلیم ہے کہ پوائنٹ ون, ان ساری حرکتوں کے باوجود وہ سالہ سال ایک نمک حرام شخص کو اور سدھا برس ایک باغی قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے. پوائنٹ ٹو, یہاں وہ بھی دیکھنے میں آتے ہیں جو اعلانیہ خالق کی ہستی ہی کے منکر ہیں اور پھر بھی نعمتوں سے مالا مال ہوئے جا رہے ہیں. پوائنٹ تھری, وہ بھی پائے جاتے ہیں جو خالق کی ذات, صفات, اختیارات, حقوق سب میں غیر خالق ہستیوں کو اس کا شریک ٹھہرا رہے ہیں اور منم کی نعمتوں کا شکریہ غیر منموں کو ادا کر رہے ہیں. پھر بھی نعمت دینے والا ہاتھ نعمت دینے سے نہیں رکتا. پوائنٹ فور, وہ بھی ہے جو خالق کو خالق اور منم ماننے کے باوجود اس کے مقابلے میں سرکشی اور نافرمانی ہی کو اپنا شیوا اور اس کی اطاعت سے آزادی ہی کو اپنا مسلک بنائے رکھتے ہیں. پھر بھی مدت العمر اس کے حد و حساب احسانات کا سلسلہ ان پر بھی جاری رہتا ہے. ترجمہ, حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی, اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں, وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہے.
मुर्दा है कि ना मुर्दा है ना कि जिंदा, और इनको कुछ मालूम नहीं है कि इन्हें कब दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते उनके दिलों में इनकार बस कर रह गया है और वो घुमंड में पड़ रहे और वो घुमंड में पड़ गए हैं। अल्लाह यकीनन इन सब के करतूत जानता है, छुपे हुए भी और खुले हुए भी। वो उन लोगों को हरगिज पसंद नहीं करता जो गुरूर नफ्स में मुब्तिला हो, और जब कोई इनसे पूछता है कि तुम्हारे रब ने क्या चीज नाजिल की है तो कहते हैं अजी वो तो अगले वक्तों की फरसूदा कहानियां हैं। ये बातें वो इसलिए करते हैं कि कयामत के रोज अपने बोझ भी पूरे उठाए, ये बातें वो इसलिए करते हैं कि कयामत के रोज अपने बोझ भी पूरे उठाएं और साथ साथ कुछ उन लोगों के बोझ भी समेटे जिन्हें ये बर बनाए जहालत गुमराह कर रही है। देखो कैसी सख्त जिम्मेदारी है जो ये अपने सर ले रहे हैं। इनसे पहले भी बहुत से लोग हक को नीचा दिखाने के लिए ऐसी ही मकारियां कर चुके हैं, तो देख लो कि अल्लाह ने उनके मकर की इमारत जड़ से उखाड़ फेंकी और इसकी छत ऊपर से इनके सर पर आ रही है और इसकी छत ऊपर से इनके सर पर आ रही और ऐसे रुख से इन पर अजाब आया जिधर से इसके आने का उनको गुमान तक ना था। फिर कयामत के रोज अल्लाह उन्हें जलील ख्वार करेगा और उनसे कहेगा बताओ अब कहाँ है मेरे वो शरीक जिनके लिए तुम अहले हक से झगड़ा किया करते थे। जिन लोगों को दुनिया में इल्म हासिल था वो कहेंगे आज रुसवाई और बदबख्ती है काफरों के लिए। हाँ उन्हीं काफरों के लिए जो अपने नफ्स पर जुल्म करते हुए जब मलाइका के हाथों गिरफ्तार होते हैं, यानी अजीज साथियों जब मौत के वक्त मलाइका उनकी रूहें उनके जिस्म से निकालकर अपने कब्जे में ले लेते हैं। तर्जुमा तो सरकशी छोड़कर फौरन डगे डाल देते हैं और कहते हैं हम तो कोई कसूर नहीं कर रहे थे। मलाइका जवाब देते हैं कर कैसे नहीं रहे थे, अल्लाह तुम्हारे करतूतों से खूब वाकिफ है, अब जाओ जहन्नुम के दरवाजों में घुस जाओ वहीं तुमको हमेशा रहना है। बस हकीकत यह है कि बड़ा ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बरों के लिए। तुम्हारी तरफ जब खुदा तर्स लोगों से पूछा जाता है कि ये क्या चीज है, कि ये क्या चीज है जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुई है, तो वो जवाब देते हैं कि बेहतरीन चीज उतरी है। इस तरह के नेकूकार लोगों के लिए इस दुनिया में भी भलाई और आखिरत का घर तो जरूर ही इनके हक में बेहतर है। बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा घर है मुत्तकियों का, दाइमी क़याम की जन्नतें जिनमें वो दाखिल होंगे, नीचे नहरें बह रही होंगी और सब कुछ वहां ऐन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। ये जज़ा देता है अल्लाह मुत्तकियों को, उन मुत्तकियों को जिनकी रूहें पाकीज़गी की हालत में जब मलाइका कब्ज़ करते हैं तो कहते हैं सलाम हो तुम पर, जाओ जन्नत में अपने आमाल के बदले। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जो ये लोग इंतजार कर रहे हैं तो इसके सिवा अब और क्या बाकी रह गया है कि मलाइका ही आ पहुंचे या तेरे रब का फैसला सादिर हो जाए। इस तरह की ढिटाई इनसे पहले बहुत से लोग कर चुके हैं, फिर जो कुछ उनके साथ हुआ वो उन पर अल्लाह का जुल्म ना था बल्कि उनका अपना जुल्म था जो उन्होंने खुद अपने ऊपर किया। उनके करतूतों की खराबियां आखिरकार उनके दामनगीर हो गई और वही चीज उन पर मुसल्लत होकर रही जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। ये मुशरिकीन कहते हैं अगर अल्लाह चाहता तो ना हम और ना हमारे बाप दादा उसके सिवा किसी और की इबादत करते और ना उसके हुक्म के बगैर किसी चीज को हराम ठहराते। ऐसे ही बहाने इनसे पहले के लोग भी बनाते रहे हैं, तो क्या रसूलों पर साफ साफ बात पहुंचा देने के सिवा और भी कोई जिम्मेदारी है। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेज दिया और उसके जरिए से सबको खबरदार कर दिया कि अल्लाह की बंदगी करो और तागूत की बंदगी से बचो। इसके बाद इनमें से किसी को अल्लाह ने हिदायत बख्शी और किसी पर दलालत मुसल्लत हो गई। फिर जरा जमीन में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हो चुका है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम चाहे इनकी हिदायत के लिए कितने ही हरीस हो मगर अल्लाह जिसको भटका देता है फिर इसे हिदायत नहीं दिया करता और इस तरह के लोगों की मदद कोई नहीं कर सकता। ये लोग अल्लाह के नाम से कड़ी कस्में खाकर कहते हैं कि अल्लाह किसी मरने वाले को फिर से जिंदा करके ना उठाएगा। उठाएगा क्यों नहीं, ये तो एक वादा है जिसे पूरा करना इसने अपने ऊपर वाजिब कर लिया, मगर अक्सर लोग जानते नहीं है और ऐसा होना इसलिए जरूरी है कि अल्लाह इनके सामने उसे हकीकत को उस हकीकत को खोल दे जिसके बारे में इख्तलाफ करें और मुनकरीन हक को मालूम हो जाए कि वह झूठे थे। रहा इसका इम्कान तो हमें किसी चीज को वजूद में लाने के लिए
इससे ज्यादा कुछ करना नहीं होता कि उसे हुक्म दे हो जा और बस वो हो जाती है। जो लोग जुल्म सहने के बाद अल्लाह की खातिर हिजरत कर गए हैं, इनको हम दुनिया ही में अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। काश जान ले वो मजलूम जिन्होंने सब्र किया है और जो अपने रब के भरोसे पर काम कर रहे हैं कि कैसा अंजाम, कैसा अच्छा अंजाम उनका मुंतजर है। अजीज साथियों, ये हिजरत करने वालों के लिए खुशखबरी है। क्यों मैं समझती हूँ, इसलिए कि हिजरत में तो इंसान महबूब ठिकाने घर बार छोड़कर चल देता है और फिर सिफर से दोबारा जिंदगी शुरू करनी पड़ती है, और इसी वजह से ऐसे अफराद के लिए यहाँ बशारत है। तर्जुमा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमसे पहले भी जब कभी रसूल भेजे आदमी ही भेजे जिनकी तरफ हम अपने पैगामात वही किया करते थे, अहले जिक्र से पूछ लो अगर तुम लोग खुद नहीं जानते। पिछले रसूलों को भी हमने रोशन निशानियां और किताबें देकर भेजा था और अब ये जिक्र तुम पर नाजिल किया है ताकि तुम लोगों के सामने उस तालीम की तशरीह और तौजीह करते जाओ जो उनके लिए उतारी गई है। और ताकि लोग खुद भी गौर व फिक्र करें। फिर क्या वो लोग जो दावत पैगंबर की मुखालफत में बदतर से बदतर चाले चल रहे हैं इस बात से बिल्कुल खौफ हो गए हैं कि अल्लाह उनको जमीन में धंसा दे या ऐसे गोशे से इन पर अजाब ले आए जिधर से इसके आने का इनको वहमो गुमान तक ना हो, या अचानक चलते फिरते इनको पकड़ ले या ऐसी हालत में इन्हें पकड़े जबकि इन्हें खुद आने वाली मुसीबत का खटका लगा हुआ हो और वो इससे बचने की फिक्र में चौकन्ने हो। वो जो कुछ भी करना चाहे ये लोग इसको आजिज करने की ताकत नहीं रखते। हकीकत यह है कि तुम्हारे रब बड़ा ही नरम खू और रहीम है। और क्या ये लोग अल्लाह की पैदा की हुई किसी चीज को भी देखते नहीं और क्या ये लोग अल्लाह की पैदा की हुई किसी चीज को भी नहीं देखते कि इसका साया किस तरह अल्लाह के हुजूर सजदा करते हुए दाएं और बाएं गिरता है। सब के सब इस तरह इजहार इब्स कर रहे हैं। जमीन और आसमानों में जिस कदर जानदार मखलूकात हैं और जितने मलाइका हैं सब अल्लाह के आगे सरबर सजूद हैं। वो हरगिज सरकशी नहीं करते अपने रब से जो उनके ऊपर है, डरते हैं और जो कुछ हुक्म दिया जाता है इसी के मुताबिक काम करते हैं। अजीज साथियों, ये आयते सजदा है। अब मैं भी सजदा करती हूँ और आप भी कीजिए। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का फरमान है कि दो खुदा ना बना लो, खुदा तो बस एक ही है, लिहाजा तुम मुझी से डरो, उसी का है वो सब कुछ जो आसमानों में है और जो जमीन में, और खालिसन उसी का दीन सारी कायनात में चल रहा है। फिर क्या अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से तकवा करोगे। अजीज साथियों, मैं यहाँ रुकना चाहूंगी और एक लिटरेचर का एक अच्छा पीस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो उस मौजू को लिए हुए है जो कि जिसको जिसके हवाले से मैं बात रखूंगी। वो शिर्क से पाक अल्लाह की बंदगी है। किताबचे का नाम भी शिर्क से पाक अल्लाह की बंदगी है। खुर्रम मुराद साहब इसके मुसन्निफ है। इसके कुछ हिस्से हैं जो मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ इस वक्त शेयर करूं। मुसन्निफ ने लिखा कि शिर्क की किस्में तो बहुत सारी हैं और किताबों के अंदर सब बयान भी हुई हैं। अगर तीन चार बातें हमारी समझ में आ जाएं तो हम इस बात से महफूज रह सकते हैं कि हम अपने आमाल में और बंदगी में किसी को शरीक करें। मैंने असल में इसको आपके साथ शेयर करने का मेरा मकसद ही ये है कि इस वक्त हम इसको अपनी
मौजूदा जिंदगियों से भी इस टॉपिक को रिलेट कर सके। मैं जाहिर है पूरा किताबचा तो आपके साथ इस वक्त नहीं पढ़ सकती, लेकिन मैं जितना शेयर कर सकती हूँ उतना इंशाल्लाह कर दूंगी। इसके कुछ हिस्से मैंने आप मुंतखब किए हैं। मुसन्निफ लिखता है कि शिर्क की किस्में तो बहुत सारी हैं और किताबों के अंदर सब बयान भी हुई हैं। अगर तीन चार बातें हमारी समझ में आ जाएं तो हम इस बात से महफूज रह सकते हैं कि हम अपने आमाल में और बंदगी में किसी को शरीक करें। दुनिया के अंदर, बल्कि यहीं से पढ़ती हूँ कि अल्लाह की बंदगी सब करते थे, कुफारे कुरैश भी करते थे, नमाज भी पढ़ते थे, हज भी करते थे, अल्लाह की राह में खर्च भी करते थे। इनमें कोई काम ऐसा ना था जिससे इनको इनकार हो। इनमें से बाज करते थे, बाज नहीं करते थे, और आज भी यही है कि बाज मुसलमान करते हैं, बाज नहीं करते। लेकिन असल बात जिस पर झगड़ा और इख्तलाफ था वो ये था कि क्या सिर्फ एक अल्लाह ही परस्तिश और बंदगी का मुस्तहिक है या इसके साथ कोई और भी मुस्तहिक है। लोग इसको समझने से कासिर थे कि जब कुरान मजीद ये कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इलाह नहीं, तो इसके क्या मानी है। लोग इस पर भी बड़ा फरोख्ता भी होते थे कि नाराज भी होते थे। आज भी लोग जानते पूछते या बगैर जाने बूझे शिर्क के अंदर मुब्तिला हो जाते हैं और इससे अपने आप को नहीं बचा पाते। इसलिए इस बात को अच्छी तरह जानने और समझने की जरूरत है कि अल्लाह ताला ने जब ये फरमा दिया कि सिर्फ मेरी बंदगी करो, इस बंदगी में किसी को शरीक ना करो, तो इसका क्या मतलब है। दुनिया के अंदर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अल्लाह की जात में किसी को शरीक करें और ये कहें कि एक और अल्लाह भी है। ईसाई इस मामले में सबसे आगे हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला के तीन वजूद हैं, एक बाप, दूसरा बेटा, तीसरा रूह कुद्स। ये इनका बड़ा साफ शिर्क है। लेकिन अगर आप किसी ईसाई से बात करें और इसे कहें कि तू मुशरिक हो, तो वो सख्त नाराज होगा। इसने भी अपने अकीदे की ताबीर ऐसी कर रखी है जिसमें वो इसको तौहीदी का मजहर समझता है। वो कहता है कि अल्लाह तो एक ही है, ये इसके तीन जहूर हैं जो कायनात में मुख्तलिफ अंदाज में हुए हैं। बहसियत बाप मोहब्बत रहमत शफकत के लिए हुआ है, कहीं इंसाफ के लिए हिदायत देने के लिए हज़रत ईसा के रूप में हुआ है, और कहीं मुसलसल लोगों की रहनुमाई के लिए करने के लिए रूल कुद्स की सूरत में हुआ है। लेकिन कोई ईसाई ये नहीं कहेगा कि मैं शिर्क करता हूँ। अगर आप कहेंगे तो वो आपसे नाराज होगा, आपसे लड़ेगा, आपसे गुस्सा करेगा कि मुझे तो मुशरिक क्यों कहते हो, जबकि मैं तो अल्लाह को एक मानता हूँ, मैं तो मोहिद हूँ। ईसाई मुसलमानों से यूरोप में जब मुकालमा करते हैं तो इसी बुनियाद पर करते हैं कि हम तीनों अल्लाह को एक मानने वाले हैं। मुसलमान भी एक अल्लाह को मानते हैं, यहूदी भी एक अल्लाह को मानते हैं, ईसाई भी एक अल्लाह को मानते हैं, और यही हमारे दरमियान कदर मुश्तरक है। तो इसमें तो इस वक्त ये बहस नहीं है कि वो गलत है, इसलिए कि ये बात तो जाहिर और साफ है, इस पर गुफ्तगू हो सकती है। बहस ये है कि लोग शिर्क करते हुए भी ये समझते हैं कि हम तौहीद पर कायम हैं। ईसाई दुनिया की एक तिहाई आबादी है, वो शिर्क करते हैं लेकिन समझते हैं हम तौहीद पर कायम हैं। अगर आप हिंदू फलसफियों के पास चले जाएं जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो शिर्क से साफ ऐलान बरात करते हैं कि हम पत्थर के बुतों को नहीं पूछते। ये तो अल्लाह ताला की सिफात की सिर्फ अलामत और निशानी है। कहीं वो दौलत देता है तो इसका एक बुत बन गया है, कहीं इसकी कुदरत है, इसके 8-10 हाथ है, तो दूसरा बुत बन गया है। ये तो हमने अलामतें बना ली है, इनकी निशानियां हैं, लेकिन हम इनकी परस्तिश नहीं करते। परस्तिश तो हम सिर्फ खुदाए वाहिद की करते हैं। यहूदी और हिंदुओं के वईद में फलसफे हैं, यहूदियों और हिंदुओं के वैद में फलसफे हैं। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि ईसाई ठीक है, हिंदू ठीक है, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि हम अपने गरेबान में मुंह डाल कर देखें कि दुनिया के अंदर ऐसी कौमें मौजूद हैं जो साफ साफ इस बात का ऐलान करती हैं कि हम शिर्क नहीं करते, हम मोहिद हैं, हम एक खुदा को मानते हैं। लेकिन कुरान मजीद की हदीस की हर तालीम की रूह से वो मुशरिक है। हमारा भी तो वही हाल नहीं है। हमको सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपना जो हक मुख्तसरन बयान किया है कि अल्लाह की बंदगी करें और इस इबादत में किसी चीज को इसके साथ शरीक ना करें, इसका क्या मतलब है। पहली बात तो यह कि अल्लाह और रब के मानी भी हम आमतौर पर नहीं जानते। हम समझते हैं जहां पर इंसान जाकर सजदा करे और रुकू करे और मुरादे मांगे, बस वही रब और इला है। जो बहुत आगे बढ़ते हैं और वो यही कहते हैं बस यही बंदगी है। इस पर शिर्क का फतवा लेकर आते हैं कि मज़ारों पर जाकर ये कुछ किया जाता है। इससे आगे बात नहीं बढ़ती।
अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो भी अल्लाह के अलावा किसी को वफादारी, मोहब्बत, परस्तिश, इताअत और ताकत का ऐसा सरचश्मा माने कि वो अल्लाह के साथ इसके इख्तियारात में शरीक है या इससे अलग भी कोई चीज इसके पास मौजूद है, तो यही शिर्क है। कुरान कहता है कि इस लिहाज से इंसान खुद अपना भी माबूद बन जाता है। मैं इसको फिर पढ़ती हूँ। कुरान कहता है कि इस लिहाज से इंसान खुद अपना भी माबूद बन जाता है। अफरा आईता मन तोखाजा इलाहु, क्या तुमने उसको देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह और माबूद बना लिया? तो ये नहीं कि माबूद सिर्फ पत्थर का या सोने का या चांदी का या दरख्त या चांद और सूरज ही होते हैं या वो कब्रें होती हैं, बल्कि जब इंसान खुद अपना ऐसा शेफ्ता और फरिख्ता हो जाए कि अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के अहकाम पर तरजीह दे, इसके साथ वफादारी, इसकी दिल रुबाई, इसके साथ मोहब्बत अल्लाह से बढ़कर हो जाए, वफादारी और परस्तिश का मरकज अपना नफ्स और अपनी जात हो जाए, तो वो भी इलाह है। मैं इसको फिर पढ़ती हूँ कि बल्कि जब इंसान खुद अपना ऐसा शेफ्ता और फरेफ्ता हो जाए कि अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के अहकाम पर तरजीह दे, इसके साथ वफादारी, इसकी दिलरुबाई, इसके साथ मोहब्बत अल्लाह से बढ़कर हो जाए, वफादारी और परस्तिश का मरकज अपना नफ्स और अपनी जात हो जाए, तो वो भी इलाह है। इसके बाद कुछ हिस्से मजीद इस लिटरेचर के। सूरह काहफ में अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी मिसाल और वाकया बयान किया। ये वाकया आज के दौर के बिल्कुल हस्ब हाल है। दो आदमी थे, एक आदमी का बड़ा उम्दा बाग था, बड़ा सरसब्ज और बड़ा जरखेज, इतना जरखेज बाग था कि दरख्तों के बीच में भी पौधे लगे हुए थे। जैसे दो दरख्तों के बीच में आदमी चलगोजे लगा देता है, यानी सिर्फ फसल ही नहीं, जमनी फसल भी मौजूद थी और इसके अंदर पानी की नहरें बह रही थी, यानी इस फसल के बाकी रह जाने के इंतजामात भी वहां मौजूद थे। उसका एक साथी भी था। इस आदमी ने उससे कहा, ये तो मेरे अपने जोरे बाजू का नतीजा है, ये मैंने खुद अपने हाथ से, अपनी साइंस से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने इल्म से खुद किया है और ये अब कभी खत्म नहीं होगा, इसको कभी जवाल नहीं आएगा, ये तो हमेशा रहेगा। इस आदमी ने कहा, तूने शिर्क किया, तुझको ये कहना चाहिए था जो अल्लाह ने चाहा वो ही मिला और किसी के पास अल्लाह के अलावा कोई कुव्वत नहीं। अहदे जदीद का शिर्क तो यही है कि हर चीज को मादी असबाब में तलाश करो। मैं ये नहीं कहता कि मादी असबाब पर नजर नहीं डालना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, लेकिन इसी को कुल समझ लेना कि जो कुछ होता है इन्हीं की वजह से होता है और आदमी ने जो कुछ किया अपने जरखे जहन की वजह से किया और ये तरक्की हुई और होती रहेगी, ये शिर्क है। जिन लोगों ने यूरोप की तारीख पढ़ी है वो जानते हैं कि 1914 की जंग से पहले यूरोप के सारे फिलोसोफर और सियासतदान और उल्मा इस बात के कायल थे कि इंसान ये तरक्की ऐसी कर रहा है जो मुसलसल जारी रहेगी, जिसको अंग्रेजी में लीनियर प्रोग्रेस कहा जाता है, यानी एक लाइन में तरक्की बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। लेकिन फिर जिस तरह अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ के किस्से में कहा है कि अचानक एक तूफान आया और सारी खेती ओंधी होकर रह गई, सबकी जड़ कट गई, इसी तरह दूसरी जंग अजीम का तूफान आया और 2.5 करोड़ आदमी मर गए, पूरा यूरोप तख्तो ताराज हो गया। ये भी बड़ी अजीब बात है कि किसी को नहीं मालूम लड़ाई किस लिए हुई। बाद में बड़ी तहकीक हुई, सियासतदानों के कागजात निकाल कर देखे गए, मालूम हुआ कोई शख्स लड़ाई नहीं चाहता था, कोई हुक्मरान, कोई बादशाह, कोई वजीर आजम कोई भी लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन चारों ने चार लड़ाई की तरफ धकेल दिए गए। इसके बाद यूरोप के सारे फलसफे बदल गए, नुक्ता नजर बदल गए, लोग मायूस हो गए, इंसान से मायूस हो गए, नए नए फलसफे ईजाद हुए, लेकिन ये बिल्कुल वही कुव्वत है। माशाल्लाह, अब भी इंसान इस मूवमेंट में आता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी सब कुछ कर सकती है, चांद तक भी पहुंचा सकती है, सितारों के अंदर भी पहुंचा सकती है, इंसान जो काम चाहे कर सकता है। मुझे इससे इनकार नहीं है कि साइंस और टेक्नोलॉजी बड़े बड़े काम सर अंजाम दे सकती है, लेकिन वो भी अल्लाह ताला की कुदरत और उसके हुक्म से ही अंजाम देती है। हुक्म ना हो तो हर चीज बेकार हो जाती है। चांद पर जाने वाला सयारा जमीन पर खड़े खड़े जल सकता है, भक से उड़ सकता है, इसका कंप्यूटर, इसका इल्म, इसकी एहतियातें सब नाकाम हो सकती हैं। टॉर्नेडो आता है तो बड़ी बड़ी एहतियातों के सिवा इमारतें खाली करा लें, आबादियां खाली करा लें, इंसान के पास कोई दूसरा इलाज नहीं होता।
अगर आज सैन फ्रांसिस्को और टोक्यो में जलजला आ जाए तो इंसान के पास इसका कोई तोड़ नहीं है कि पूरे का पूरा शहर धर्म भरम हो जाए। अल्लाह ताला इसी बात को फरमाता है कि मेरी इबादत में किसी और को शरीक ना करो, इख्तियारात सारे मेरे हैं, किसी के पास कोई इख्तियार नहीं, नफा और नुकसान की उम्मीद सिर्फ मुझसे बांधो। परस्तिश के जितने भी मजाहिर हैं, मांगना और हाथ फैलाना और मन्नतें मांगना और सजदा करना और इबादत करना, ये सब भी सिर्फ मेरे लिए होने चाहिए और इताअत भी सबसे बढ़कर मेरी हो। ये नहीं कि किसी और का कहना ना मानो, वालिदैन का कहना मानो, हुक्मरानों का कहना मानो, लेकिन ये सब इताअत मेरी इताअत के ताबे होनी चाहिए। किसी मखलूक की इताअत मेरी मासियत में जायज नहीं है, जायज नहीं हो सकती। हुक्मरान आला सर्फ में हो। यानी हुक्मरान जो है वो भी मुती है, अल्लाह के सामने झुके हुए होने चाहिए। ये इबादत के चंद पहलुओं के मानी है, वरना शिर्क पर तो बड़ी तवील गुफ्तगू की जा सकती है। अजी साथियों, इस तरह से बहुत खूबसूरत आगे भी और बहुत गौर करने वाली गुफ्तगू है, लेकिन मैं वापस अब कुरान करीम की तरफ बढ़ती हूँ। लेकिन उम्मीद है कि आज के इस टेक्स्ट से हमें फायदा पहुंचा होगा। तर्जुमा, तुमको जो नेमत भी हासिल है अल्लाह ही की तरफ से है, फिर जब कोई सख्त वक्त तुम पर आता है तो तुम लोग खुद अपनी फरियादें लेकर उसी की तरफ दौड़ते हो, मगर जब अल्लाह उस वक्त को टाल देता है तो यक यक तुम में से एक ग्रोह अपने रब के साथ दूसरों को इस मेहरबानी के शुक्रिया में शरीक करने लगता है ताकि अल्लाह के एहसान की नाशुक्री करे। अच्छा मजे कर लो, अन करीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। जी साथियों, उम्मीद है कि इस लिटरेचर को सुनने के बाद भी मजीद हमारे ऊपर ये जो इस नौयत की आयात हैं वो हमारे ऊपर खुल रही होंगी और हम उनको अपने से मजीद बेहतर रिलेट कर सकेंगे आज के दौर में, हालाते हाजरा में। तर्जुमा, ये लोग जिनकी हकीकत से वाकिफ नहीं है उनके हिस्से हमारे दिव्य रिस्क में से मुकर्रर करते हैं। खुदा की कसम, जरूर तुमसे पूछा जाएगा कि ये झूठ तुमने कैसे घर लिए थे। ये खुदा के लिए बेटियां तजवीज करते हैं, सुबहान अल्लाह, और इनके लिए वो जो ये खुद चाहें। जब इनमें से किसी को बेटी की पैदा होने की खबर दी जाती है तो उसके चेहरे पर क्लोन्स छा जाती है और वो बस खून का सा घूंट पी कर रह जाता है। लोगों से छुपता फिरता है कि इस बुरी खबर के बाद क्या किसी को मुंह दिखाए, सोचता है कि जिल्लत के साथ बेटी को लिए रहे या मिट्टी में दबा दे। देखो कैसे बुरे हुक्म हैं जो ये खुदा के बारे में लगाते हैं। बुरी सिफात से मुतसिफ किए जाने के लायक तो वो लोग हैं जो आखरत का यकीन नहीं रखते, रहा अल्लाह तो उसके लिए सबसे बरतर सिफात है, वही तो सब पर गालिब और हिकमत में कामिल है। अगर कहीं अल्लाह लोगों को उनकी ज्यादती पर फौरन ही पकड़ लिया करता तो रूए जमीन पर किसी मुतनफ्फस को ना छोड़ता, लेकिन वो सबको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत देता है। फिर जब वो वक्त आ जाता है तो इससे कोई एक घड़ी भर भी आगे पीछे नहीं हो सकता। आज ये लोग वो चीजें अल्लाह के लिए तजवीज करें जो खुद अपने लिए ने नापसंद है, और झूठ कहती है इनकी जबाने के इनके लिए भला ही भला है, इनके लिए तो एक ही चीज है और वो है दोजख की आग, जरूर ये सबसे पहले उसमें पहुंचाए जाएंगे। खुदा की कसम ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले भी बहुत सी कौमों में हम रसूल भेज चुके हैं और पहले भी यही होता रहा कि शैतान ने उनके बुरे करतूत उन्हें खुशनुमा बनाकर दिखाए और रसूलों की बात उन्होंने मान कर ना दी। वही शैताना जिन लोगों का भी सरपरस्त बना हुआ है और ये दर्दनाक सजा के मुस्तहिक बन रहे हैं। हमने ये किताब तुम पर इसलिए नाजिल की है कि तुम उन इख्तलाफात की हकीकत इन पर खोल दो जिनमें ये पड़े हुए हैं। किताब रहनुमाई और रहमत बनकर उतरी है उन लोगों के लिए जो इसे मान ले। तुम हर बरसात में देखते हो कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और यकायक मुर्दा पड़ी हुई जमीन में उसकी बदौलत जान डाल दी। यकीनन इसमें एक निशानी है सुनने वालों के लिए, और तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक मौजूद है। उनके पेट से गोबर और खून के दरमियान हम एक चीज तुम्हें पिलाते हैं, यानी खालिस दूध, जो पीने वालों के लिए निहायत खुशगवार है। अजीज साथियों, दूध वाकई अल्लाह की निशानी है। इसी निशानी की तरफ अल्लाह मुतवज्जो करता है सूरह नहल 66 में कि मसलन अगर हम गौर करें, गाय दूध की फैक्ट्री है, इसके जिस्म में एक तरफ लाल खून होता है
जो फौरन बदबू छोड़ दे, और दूसरी तरफ गोबर, और इसी गाय से शफाफ सफेद बुराक दूध की सेहत बख्श मुकम्मल गिजा। सुभानअल्लाह। हम आज दौर जदीद की जूस की मशीनें हैरत से देखते हैं ना, और अल्लाह की तखलीक ये दूध की मशीन दिल की आंखों से देखकर हैबत में मुब्तला नहीं होते, और मशीन भी वो जो खराब हो जाए, दूध ना दे तो जबा करके हम उसके कोफ्ते कबाब बना के खा रहे होते हैं कि जाया नहीं करना, स्क्रैप में कबाड़िए के हाथ नहीं बिकेगी। तो ये अल्लाह की जबरदस्त कुदरत है की निशानी है। तर्जुमा, इसी तरह खजूर के दरख्तों और अंगूर की बेलों से भी हम इसी तरह खजूर के दरख्तों और अंगूर की बेलों से भी हम एक चीज तुम्हें पिलाते हैं जिसे तुम नशा आवर भी बना लेते हो और पाक रिस्क भी। यकीनन इसमें एक निशानी है अकल से काम लेने वालों के लिए। अजीज साथियों, इसमें एक जमनी इशारा इस मजमून की तरफ भी है कि फलों के सर्क में वो मादा भी मौजूद है जो इंसान के लिए हयात बख्श गजा बन सकता है, और वो मादा भी मौजूद है जो सड़ा कर अल्कोहल में तब्दील हो जाता है। अब ये इंसान की अपनी कुव्वत इंतखाब पर मुनसर है कि वो इस सर चश्मे से पाक रिस्क हासिल करता है या अकलो खिर जायल कर देने वाला शराब। एक और जमनी इशारा शराब की हुर्मत की तरफ भी है कि वो पाक रिस्त नहीं है। यानी अल्लाह अपनी इन निशानियों के जरिए भी हमें सीधा रास्ता दिखा रहा है। तर्जुमा, और देखो तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर ये बात वही कर दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में और टीटियों में पर चढ़ाई भी बेलों में अपने छत्ते बना और हर तरह के फलों का रस चूस और अपने रब की हमवार की भी राहों पर चलती रहे। इस मक्खी के अंदर से रंग बरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा है लोगों के लिए। यकीनन इसमें भी एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। अजीज साथियों, शहद की मक्खी की कहानी अल्लाह ने सुनाई, क्या इसी पर कुफार कहते थे कि ये अल्लाह की कैसी किताब है जिसमें मक्खी जैसी हकीर चीज का तस्कर है। बात है कि शहद की मक्खी हकीर चीज नहीं है, अल्लाह की सन्नाई और खलाकी का जबरदस्त शाहकार है। यकीनन एक ही चीज से कोई हिदायत पा जाता है और कोई अपनी कोर निगाही से इसी में फंस कर रह जाता है। कुफार को शहद की मक्खी लड़ गई। इस नन्हे से कीड़े का फहमो फरासत निजाम हुकूमत इंसानी सियासत हुक्मरानी के असूल पर चलता है। तमाम नज्म व नस्क मलका मक्खी चलाती है जो हुक्मरान होती है। 3 हफ्तों में 6 से 12 हजार अंडे देती है। मक्खियों की साम होती है, दरबारन मक्खियां किसी खारजी फर्द को अंदर नहीं आने देती। बाज अंडों की हिफाजत पर मामूर और बाज बच्चों की तरबियत पर मामूर। मेमार मक्खियां यानी मजदूर मक्खियां छत्ते के 20-30 हजार खाने तैयार करती हैं। कारकुन मक्खियां मोम जमा करके मेमारों के पास पहुंचाती हैं, और यानी मिस्त्रियों मजदूरों के पास पहुंचाती हैं, और बास कारकुन फलों और फूलों से रस चूस कर इसे शहद में तब्दील करके खानों में भर देती हैं। शहद में शिफा भी है। सूरह नहल अकॉर्डिंग टू सूरह आयत 69। फूलों का ग्लूकोज बेहतरीन शक्ल में महफूज हो जाता है। शहद खुद भी नहीं सड़ता और अपने अंदर दूसरी चीजों को महफूज रखने की खासियत भी रखता है। ये अल्लाह की जबरदस्त तख्लीक है। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु का फरमान है, दुनिया कितनी हकीर चीज है कि इंसान का बेहतरीन लिबास कायनात के एक छोटे से कीड़े का लुआब है, और नफीस लज्जत बख्श मशरूब मक्खी का फुजला है। फिर शहद की मक्खी की यह तरबियत भी अल्लाह ने कर दी कि छत्ता बुलंदी पर बनाती है ताकि ताजा साफ हवा आती रहे, गंदी हवा से महफूज रहे। दूर दराज के सफर करके भूले भटके बगैर ये नन्ही सी मक्खी अपने घर वापस पहुंच जाती है। ये अजीज साथियों अल्लाह की जबरदस्त कुदरत है, कुदरत की एक निशानी है, और अल्लाह ताला हमें भी ऐसी निशानियों के ऊपर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता करे। एक छोटा सा टेक्स्ट आपके साथ शेयर करती हूँ कि गौर व फिक्र करना क्यों जरूरी होता है। 100 लफ्जों की कहानी कई दफा ऐसे पढ़ने को मिलती है, तो एक कहानी मिली, उसका टॉपिक था खराबी। छोटी सी कहानी है 100 लफ्जों की, जल्दी से सुना देती हूँ। क्या आप रोबोट्स को लेक्चर दे सकते हैं, वाइस चांसलर ने पूछा। जी हाँ, मैंने जवाब दिया।
मुझे यूनिवर्सिटी में मुलाजमत मिल गई और रोबोट्स अच्छे तालिब इल्म थे, जो मैं बोलता वो रिकॉर्ड कर लेते, ब्लैक बोर्ड पर मेरी तहरीर स्कैन कर लेते, इम्तिहान में ठीक ठीक जवाब दे देते। एक दिन एक रोबोट गैर हाजिर हुआ, मुझे तशवीश हुई। मैंने एडमिन ऑफिस जाकर बताया कि रोबोट A1 आज नहीं आया। जवाब मिला, इसके यूनिवर्सिटी में दाखिले पर पाबंदी लग गई है किसी तकनीकी खराबी की वजह से, इसने सोचना शुरू कर दिया। अजीज साथियों, एक मानी खेस तहरीर थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बहरहाल अल्लाह हमें सोचने की और गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि इसी के जरिए तो हम अपने रब का कुर्ब पा सकते हैं। कुर्ब मार्फत इलाही, कुर्ब इलाही के लिए इंसान को वो फहम, वो तदब्बुर, वो गौर फिक्र चाहिए, जिससे वो शऊरी तौर पर जाकर अपने रब से जा जुड़ता है। तर्जुमा, और देखो अल्लाह ने तुमको पैदा किया है, फिर वो तुमको मौत देता है और तुम में से कोई बदतरीन उम्र को पहुंचा दिया जाता है, ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ ना जाने। यानी ये इल्म जिस पर हम नाज करते हैं और जिसकी बदौलत ही जमीन की दूसरी मखलूकात पर हमको शर्फ हासिल है, ये भी खुदा का बख्शा है। हम अपनी आंखों से ये इबरतनाक मंजर देखते रहते हैं कि जब किसी इंसान को अल्लाह ताला बहुत ज्यादा लंबी उम्र देता है, तो वही शख्स जो कभी जवानी में दूसरों को अकल सिखाता था, किस तरह गोश्त का एक लोथड़ा बनकर रह जाता है, जिसे अपनी तन बदन का भी होश नहीं होता, दूसरे उसको संभाल रहे होते हैं। तर्जुमा, हक ये है कि अल्लाह ही इल्म में भी कामिल है और कुदरत में भी। और देखो अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर रिस्क में फजीलत अता की है, फिर जिन लोगों को ये फजीलत दी गई है वो ऐसे नहीं है कि अपना रिस्क अपने गुलामों की तरफ फेर दिया करते हो, ताकि दोनों इस रिस्क में बराबर के हिस्सेदार बन जाएं। तो क्या अल्लाह ही का एहसान मानने से इन लोगों को इनकार है? और वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारी हमजिंस बीवियां बनाई और उसी ने इन बीवियों में से तुम्हें बेटे पोते अता किए और अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें खाने को दी। फिर क्या ये लोग ये सब कुछ देखते और जानते हुए भी बातिल को मानते हैं और अल्लाह के एहसान का इनकार करते हैं और अल्लाह को छोड़कर उनको पूछते हैं जिनके हाथ में ना आसमानों से इन्हें कुछ भी रिस्क देना है, ना जमीन से, और ना ये काम वो कर ही सकते हैं। बस अल्लाह के लिए मिसालें ना गढ़ो, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। अल्लाह एक मिसाल देता है, एक तो है गुलाम जो दूसरे का ममलूक है और खुद कोई इख्तियार नहीं रखता, दूसरा शख्स ऐसा है जिसे हमने अपनी तरफ से अच्छा रिस्क अता किया और उसमें से खुले और छुपे खूब खर्च करता है। बताओ क्या ये दोनों बराबर है? अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अक्सर लोग इस सीधी बात को नहीं जानते। अल्लाह एक और मिसाल देता है, दो आदमी है, गूंगा बहरा कोई काम नहीं कर सकता, अपने आका पर बोझ बना हुआ, जिधर भी वो इसे भेजे कोई भला काम उससे बन ना आए। दूसरा शख्स ऐसा है कि इंसाफ का हुक्म देता है और खुदा रास पर कायम है। बताओ क्या ये दोनों यकसा है? और जमीन और आसमान के पोशीदा हकायक का इल्म तो अल्लाह ही को है, और कयामत के बर्पा होने का मामला कुछ देर ना लेगा, मगर बस इतनी कि जिसमें आदमी की पलक झपक जाए, मगर इससे भी कुछ कम। हकीकत यह है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला और इस हालत अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला इस हालत में कि तुम कुछ ना जानते थे। उसने तुम्हें कान दिए, आंखें दी और सोचने वाले दिल दिए, इसलिए कि तुम शुक्र गुजार बनो। अजीज साथियों, इंसान को अल्लाह ने इसकी इब्तिदा और बेबसी याद दिलाई है। इंसान का बच्चा बेबसी और मोहताजी में तमाम जानदारों के बच्चों से ज्यादा तवील अरसे तक निगहदाश्त का मोहताज होता है। शुरू में कान आंखें होते हुए भी काम नहीं करती। अल्लाह ताला ने रोने को एक गुर सिखाया, रोने का एक गुर सिखाया होता है, इसी से तमाम जरूरियात मुहैया होती हैं। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, दुख, तकलीफ, वालिदैन के दिल में गोया मोहब्बत के जमजमे बहा दिए। तो ये तो अल्लाह की शुक्र गुजारी, जितनी भी हम अल्लाह का जितना भी शुक्र करें कम है, कि ये उसी की फैज की बदौलत हम आज यहाँ मौजूद है। तर्जुमा, क्या
क्या इन लोगों ने कभी परिंदों को नहीं देखा कि फिजाए आसमानी में किस तरह मुसख़िर हैं? अल्लाह के सिवा किसने इनको थाम रखा है? इसमें बहुत निशानी है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को जाए सुकून बनाया, इसने जानवरों की खालों से तुम्हारे लिए ऐसे मकान पैदा किए जिन्हें तुम सफर और क्याम दोनों हालतों में हल्का पाते हो। उसने जानवरों के सोफ और ऊन और बालों से तुम्हारे लिए पहनने और बरतने की बहुत सी चीजें पैदा कर दी जो जिंदगी की मुद्दत मुकर्रा तक तुम्हारे काम आती है। इसने अपनी पैदा की हुई बहुत सी चीजों से तुम्हारे लिए साय का इंतजाम किया, पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनाहगाहें बनाई और तुम्हें ऐसी पोशाकें बख्शी जो तुम्हें गर्मी से बचाती हैं और कुछ दूसरी पोशाकें जो आपस की जंग में तुम्हारी हिफाजत करती हैं। इस तरह वो तुम पर अपनी नेमतों की तकमील करता है शायद कि तुम फरमाबरदार बनो। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर साफ साफ पैगाम हक पहुंचा देने के सिवा और कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये अल्लाह के एहसान को पहचानते हैं फिर इसका इनकार करते हैं। उनमें बेशतर लोग ऐसे हैं जो हक मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ भी होश है कि उस रोज क्या बनेगा, इन्हें कुछ भी होश है कि उस रोज क्या बनेगा जबकि हम हर उम्मत में से गवाह खड़ा करेंगे। फिर काफिरों को ना हुज्जतें पेश करने का मौका दिया जाएगा ना इनसे तौफारी का मुतालबा किया जाएगा। जालिम लोग जब एक दफा अजाब देख लेंगे तो उसके बाद ना उनके अजाब में कोई तख़फीफ की जाएगी और ना इन्हें एक लम्हे भर की मोहलत दी जाएगी। और जब वो लोग जिन्होंने दुनिया में शिर्क किया था अपने ठहराए हुए शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे ऐ परवरदिगार यही है हमारे वो शरीक जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। इस पर उनके वो माबूद इन्हें साफ जवाब देंगे कि तुम झूठे हो। उस वक्त ये सब अल्लाह के आगे झुक जाएंगे और इनकी वो सारी इफ्तरा परदाजियां रफू चक्कर हो जाएंगी जो ये दुनिया में करते रहे थे। जिन लोगों ने खुद कुफर की राह अख्तियार की और दूसरों को अल्लाह की राह से रोका इन्हें हम अजाब पर अजाब देंगे उस फसाद के बदले जो वो दुनिया में बर्पा करते रहे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें उस दिन से खबरदार कर दो जबकि हम हर उम्मत में खुद उसी के अंदर से गवाह उठाकर खड़ा करेंगे जो उसके मुकाबले में शहादत देगा और इन लोगों के मुकाबले में शहादत देने के लिए हम तुम्हें लाएंगे और ये इसी शहादत की तैयारी है कि हमने ये किताब तुम पर नाजिल कर दी है जो हर चीज की साफ साफ वजाहत करने वाली और हिदायत और रहमत और बशारत है उन लोगों के लिए जिन्होंने सर तस्लीम में खम कर दिया। अजीज साथियों अब बहुत अहम आयत 90 का मौजू है अल्लाह की पसंद और नापसंद। कुर्ब इलाही के जो ख्वाहां हैं उनके लिए मैं समझती हूँ एक गाइडेंस, एक ग्रेट गाइडेंस है। तर्जुमा अल्लाह अदल और एहसान और सिला रहमी का हुक्म देता है और बदी और बेहयाई और जुल्म और ज्यादती से मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सबक लो। अजीज साथियों ये मुंतखिब आयत है आज की जिसके लिए हमने अपनी स्लाइड भी बनाई। मैं इसके साथ जो लिटरेचर आपके साथ इस वक्त शेयर करना चाहूंगी वो है किताब जिंदगी। किताब जिंदगी के वर्क पलट बराबर उलट रहे हैं। अच्छा मैं लिटरेचर बाद में शेयर करूंगी। जी आ गई सामने, ठीक है अब मैं पढ़ती हूँ। लिटरेचर है किताब जिंदगी के वर्क बराबर उलट रहे हैं। हर आने वाली सुबह एक नया वर्क उल्टा देती है। ये उल्टे हुए वर्क बराबर बढ़ रही है और बाकी मानदा वर्क बराबर कम हो रहे हैं और एक दिन वो होगा जब आप अपनी जिंदगी का आखिरी वर्क उलट रहे होंगे। जो ही आपकी आंखें बंद होंगी किताब भी बंद हो जाएगी और आपकी ये तसनीफ महफूज कर दी जाएगी। कभी आपने गौर किया इस किताब जिंदगी में आप क्या दर्ज कर रहे हैं? रोजाना क्या कुछ इसमें लिखकर आप इसका वर्क उलट देते हैं? आपको शऊर हो या ना हो आपकी ये तसनीफ तैयार हो रही है और आप इसकी तरतीब और तकमील में अपनी सारी कुव्वतों के साथ लगे हुए हैं। इसमें आप वो सब कुछ लिख रहे हैं जो आप सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, चाहते हैं, करते हैं और कराते हैं। इसमें सिर्फ वही कुछ नोट हो रहा है जो आप नोट कर रहे हैं। किसी दूसरे को हरगिज कोई इख्तियार नहीं जो एक शोशा भी इसमें बढ़ाए या घटा सके। इस किताब के मुसन्निफ तन्हा आप हैं और सिर्फ आप ही अपनी कोशिश और काविश से इसे तरतीब दे रहे हैं। जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए कल यही किताब आपके हाथ में होगी और शहनशाह वाहिद व कहार आपसे कहेगा पढ़ अपनी किताब, आज अपने नामाए आमाल का जायजा लेने के लिए तू खुद ही काफी है। कभी आपने गौर किया कि आप अपनी किताब जिंदगी के साथ में लेने की तैयारी करें दाएं हाथ में या बाएं हाथ में? दाएं हाथ में वही किताब दी जाएगी जो खुदा की नजर में दाएं हाथ के लायक होगी
और बाएं हाथ में वही किताब दी जाएगी जो खुदा की नजर में बाएं हाथ के लायक होगी। संजीदगी से सोचने की बात है कि आप शब रोज की दौड़ धूप से जो किताब मुरतब कर रहे हैं वो किस आरजू के साथ कर रहे हैं और इस आरजू में आपके हद तक मुखलिस हैं। अजीज साथियों, ये लिटरेचर का टेक्स्ट था, किताब शऊर हयात मोहम्मद यूसुफ इस्लाही साहब की थी। मैंने बात रखी थी कि ये जो आयत 90 है ये अल्लाह की पसंद और नापसंद बता रही है। मैंने चाहा था कि मैं इस हवाले से किताब जिंदगी टेक्स्ट इसलिए शेयर करूं कि हम अपनी अपनी किताब में अल्लाह की पसंद और नापसंद के मुताबिक क्या क्या गवाहियां लिखवा रही हैं, इस पर आज गौर कर लें। मैं दोहरा देती हूं तर्जुमा दोबारा गौर के लिए। तर्जुमा, अल्लाह अदल और एहसान और सिला रहमी का हुक्म देता है, यानी प्यारे साथियों ये कुर्ब इलाही के जराए बने। अल्लाह अदल और एहसान और सिला रहमी का हुक्म देता है और बदी और बेहयाई और जुल्म और ज्यादती से मनाह करता है, यानी ये अल्लाह से दूर बहुत दूर बेहद दूर जाने के जराए बने। तर्जुमा, वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सबक लो। अल्लाह के अहद को पूरा करो जबकि तुमने से कोई अहद बांधा हो और अपनी कस्में पुख्ता करने के बाद तोड़ ना डालो जबकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर गवाह बना चुके हो। अल्लाह तुम्हारे सब अफाल से बाखबर है। तुम्हारी हालत उस औरत की सी ना हो जाए जिसने आप ही मेहनत से सूत काटा और फिर आप ही इसे टुकड़े टुकड़े कर डाला। तुम अपनी कस्मों को आपस के मामलात में मकरो फरेब का हथियार बनाते हो ताकि एक कौम दूसरी कौम से बढ़कर फायदे हासिल करे। हालांकि अल्लाह इस अहदो पैमान के जरिए से तुमको आजमाइश में डालता है और जरूर वो क्यामत के रोज तुम्हारे इख्तलाफात की हकीकत तुम पर खोल देगा। अगर अल्लाह की मशीयत ये होती कि तुम में कोई इख्तलाफ ना हो तो वो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है गुमराही में डालता है और जिसे चाहता है राय रास्त दिखा देता है और जरूर तुमसे तुम्हारे अमाल की बासपुर्स होकर रहेगी। और ऐ मुसलमानों, तुम अपनी कस्मों को आपस में एक दूसरे का धोखा देने का जरिया ना बना लेना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कदम जमने के बाद उखड़ जाए और तुम इस जुर्म की पादाश में कि तुमने लोगों को अल्लाह की राह से रोका बुरा नतीजा देखो और सख्त सजा भुगतो। अल्लाह के अहद को थोड़े से फायदे के बदले ना बेच डालो। जो कुछ अल्लाह के पास है वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। जो कुछ तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाने वाला और जो कुछ अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है। और हम जरूर सब्र से काम लेने वालों को, अजीज साथियों यहाँ सब्र से काम लेने वालों को यानी पॉइंट वन, उन लोगों को जो हर तमा और ख्वाहिश और जज्बा नफसानी के मुकाबले में हक और सीधे रास्ते पर कायम रहे। पॉइंट टू, हर उस नुकसान को बर्दाश्त कर लें जो उस दुनिया में रास्तबाजी इख्तियार करने से पहुंचता हो। पॉइंट थ्री, हर उस फायदे को ठुकरा दें जो दुनिया में नाजायज तरीके इख्तियार करने से हासिल हो सकता है। पॉइंट फोर, और उसने अमल के मुफीद नतीज के लिए उस वक्त तक इंतजार करने के लिए तैयार हो जो मौजूदा दुनियावी जिंदगी खत्म होने के बाद दूसरी दुनिया में आने वाला है। तर्जुमा, और हम जरूर सब्र से काम लेने वालों को उनके अजर उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक देंगे। जो शख्स भी नेक अमल करेगा ख्वाह वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि हो वो मोमिन, इसे हम दुनिया में पाकीजा जिंदगी बसर कराएंगे और आखिरत में ऐसे लोगों को इनके अजर इनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक बख्शेंगे। फिर जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान रजीम से खुदा की पनाह मांग लिया करो और उसे फिर जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान रजीम से खुदा की पनाह मांग लिया करो उससे उन लोगों पर तसल्लुत हासिल नहीं होता जो ईमान लाते और अपने रब पर भरोसा करते। इसका जोर तो उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको अपना सरपरस्त बनाते हैं और इसके बहकाने से शिर्क करते हैं। जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत नाजिल करते और अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या नाजिल करे तो ये लोग कहते हैं कि तुम ये कुरान खुद घड़ते हो। असल बात यह है कि इनमें से अक्सर लोग हकीकत से नावाकिफ है।
इनसे कहो कि से तो रूल कुद्स ने ठीक ठीक मेरे रब की तरफ से बतदरीज नाजिल किया ताकि ईमान लाने वालों के ईमान को पुख्ता करे और फरमा बरदारों को जिंदगी के मामलात में सीधी राह बताए और इन्हें फलाह और सआदत की खुशखबरी दे। हमें मालूम है ये लोग तुम्हारे मुतालिक कहते हैं कि इस शख्स को एक आदमी सिखाता पढ़ाता है, हालांकि इनका इशारा जिस आदमी की तरफ है इसकी जबान अजमी और ये साफ अरबी जबान है। हकीकत ये है कि जो लोग अल्लाह की आयात को नहीं मानते अल्लाह कभी इनको सही बात तक पहुंचने की तौफीक नहीं देता और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। झूठी बातें नबी नहीं गढ़ता बल्कि झूठ वो लोग गढ़ रहे हैं जो अल्लाह की आयात को नहीं मानते, वही हकीकत में झूठे हैं। जो शख्स ईमान लाने के बाद कुफर करे वो अगर मजबूर किया गया और दिल इसका ईमान पर मुतमईन हो तब तो खैर, मगर जिसने दिल की रजामंदी से कुफर को कबूल कर लिया इस पर अल्लाह का गजब है। और ऐसे सब लोगों के लिए बड़ा अजाब है, ये इसलिए कि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया और अल्लाह का कायदा यह है कि वो उन लोगों को राह निजात नहीं दिखाता जो उसकी नेमत का कुफरान करें। ये वो लोग हैं जिनके दिलों और कानों और आंखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है, ये गफलत में डूब चुके हैं, जरूर है कि आखिरत में यही खसारे में रहे। बखिलाफ इसके जिन लोगों का हाल यह है कि जब ईमान लाने की वजह से वो सताए गए तो उन्होंने घर बार छोड़ दिए, हिजरत की राह खुदा में सख्तियां झील ली और सब्र से काम लिया, उनके लिए यकीनन तेरा रब गफूर और रहीम है। इन सब का फैसला उस दिन होगा जबकि हर मुतनफ्फिस अपने ही बचाव की फिक्र में लगा हुआ होगा और हर एक को इसके किए का बदला पूरा पूरा दिया जाएगा और किसी पर जरा बराबर जुल्म ना होने पाएगा। अल्लाह एक बस्ती की मिसाल देता है, वो अमन व इत्मीनान की जिंदगी बसर कर रही थी और हर तरफ इसकी बाफरागत रिस्क पहुंच रहा था और हर तरफ से इसको बाफरागत रिस्क पहुंच रहा था कि उसने अल्लाह की नेमतों का कुफरान शुरू कर दिया। तब अल्लाह ने उसके बाशिंदों को उनके करतूतों का ये मजा चखाया कि भूख और खौफ की मुसीबतें इन पर छा गई। उनके पास इनकी अपनी कौम में से एक रसूल आया मगर उन्होंने उसको झुटला दिया। आखिरकार अजाब ने इनको आ लिया जबकि वो जालिम हो चुके थे। अजीज साथियों, अब आयात 114 से 118 में हलाल और हराम के हवाले से हिदायत है। तर्जुमा, पस है लोगो, अल्लाह ने जो कुछ हलाल और पाक रिस्क तुमको बख्शा है उसे खाओ और अल्लाह के एहसान का शुक्र अदा करो अगर तुम वाकई उसकी बंदगी करने वाले हो। अल्लाह ने जो कुछ तुम पर हराम किया है वो है मुर्दार और खून और सूर का गोश्त और वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। अलबत्ता भूख से मजबूर होकर अगर कोई इन चीजों को खा ले बगैर इसके कि वो कानून इलाही की खिलाफ वर्जी का ख्वाहिशमंद हो या हद जरूरत से तजावज का मुर्तकिब हो तो यकीनन अल्लाह माफ करने और रहम फरमाने वाला है। और ये जो तुम्हारी जबानें झूठे अहकाम लगाया करती हैं कि ये चीज हलाल और वो हराम, तो इस तरह के हुक्म लगाकर अल्लाह पर झूठ ना बांधा करो। जो लोग अल्लाह पर झूठे इफ्तरा बांधते हैं वो हरगिज़ फला नहीं पाया करते। दुनिया का ऐश चंद रोजा है, आखिरकार उनके लिए दर्दनाक सजा है। वो चीजें हमने खास तौर पर यहूदियों के लिए हराम की थी जिनका जिक्र हम इससे पहले तुमसे कर चुके हैं और ये उन पर हमारा जुल्म ना था बल्कि उनका अपना ही जुल्म था जो वो अपने ऊपर कर रहे थे। अलबत्ता जिन लोगों ने जहालत की बिना पर बुरा अमल किया और फिर तौबा करके अपने अमल की इस्लाह कर ली तो यकीनन तौबा इस्लाह के बाद तेरा रब उनके लिए गफूर और रहीम है। वाकया ये है कि इब्राहिम अपनी जात से एक पूरी उम्मत था अजीज साथियों, यानी वो अकेला इंसान बजाय खुद एक उम्मत था। जब दुनिया में कोई मुसलमान ना था तो एक तरफ वो अकेला इस्लाम का अलमबरदार था और दूसरी तरफ सारी दुनिया कुफर की अलमबरदार थी। उस अकेले बंदाए खुदा ने वो काम किया जो एक उम्मत के करने का था, इसलिए वो एक शख्स ना था बल्कि एक पूरा इदारा था। तर्जुमा, अल्लाह का मुती फरमाओ यकसू, वो कभी मुशरिक ना था, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाला था। अल्लाह ने इसको मुंतखिब कर लिया और सीधा रास्ता दिखाया, दुनिया में इसको भलाई दी और आखिरत में वो यकीनन सालेहीन में से होगा। फिर हमने तुम्हारी तरफ ये वही भेजी कि यकसू होकर इब्राहिम के तरीके पर चलो और वो मुशरिकों में से ना था। रहा सब तो वो हमने उन लोगों पर मुसल्लत किया था जिन्होंने इसके अहकाम में इख्तलाफ किया और यकीनन तेरा रब कयामत के रोज इन सब बातों का फैसला कर देगा जिनमें वो इख्तलाफ करते रहे हैं। अजीज साथियों, आयत 125 बहुत अहम, दावत दीन की तीन सतह।
ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے عزیز ساتھیوں سورہ نحل کے آخر میں حق کی طرف بلانے والے دائی کو کیا طریقہ سکھایا گیا ہے حکمت پوائنٹ ون حکمت درست کلام جو دل میں اتر جائے بر موقع بر محل دعوت حکمت کے ساتھ دی جائے یعنی دانائی کے ساتھ اندھا دھند تبلیغ کے جوش میں آ کر دوسرے پر چڑھائی نہ کر دی جائے جس طرح غذا کی دعوت کا سلیقہ ہوتا ہے نا کہ ڈش کو خوبصورتی سے سجا کر شائستگی سے بلایا جاتا ہے ٹھونسا مسلط نہیں کیا جاتا اسی طرح دعوت دین بھی حکمت تو شائستگی کی تعلیم ہے پھر دوسرا پوائنٹ معاوضہ خیر خواہی کی بات لیکن حسنا یا اچھی بھلی ہو دل خراش نہ ہو نصیحت خود ہی کڑوی ہوتی ہے اسے خوش ذائقہ خوش شکل آج کی خوش رنگ فلیئر دوائیوں کی طرح ہونا چاہیے فرعون جیسے کٹے کافر کے پاس بھیجتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نرم کلامی کا حکم دیا گیا عصا دکھا کر دھمکانے کا نہیں سانپ بنا کر اس کے پیچھے دوڑانے ڈرانے کا حکم نہیں دیا گیا اور آخری لوگوں سے مباحثہ بہترین طریقے پر یعنی سوال جواب تو ہوگا کلام لیکن جیسے کلامی کشتی اور مناظرہ بازی نہیں ہوگی کج بحثی الزام تراشی چوٹیں پھپتیاں طنز نہیں ہوگا شیطان درمیان میں کود پڑے گا آر دلانے کو کہے گا تان و تشی کے گولے فراہم کرے گا جو داغ دی ہے تو مخاطب کا دل ہمیشہ کے لیے دعوت دین سے کھٹا کرنے کا سامان فراہم کرے تو اس لیے یہ غور کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ہم نے بلکہ ایک سلائیڈ بنائی اور بڑا اہم لٹریچر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس وقت عزیز ساتھیوں یقین کیجئے اگر آپ نے یہ کتاب ہے شعور حیات از محمد یوسف اسلائی صاحب مصنف لکھتا ہے یقین کیجئے اگر آپ نے حاصل مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور وہ وسائل اور ذرائع کو پوری طرح استعمال کیا اور اپنی پوری توانائیاں صلاحیتیں اور قوتیں اس راہ میں لگا رکھی ہیں تو یقین کر لیجئے کہ آپ کامیاب ہیں دراصل اس راہ میں اپنی قوتوں صلاحیتوں اور اموال و وسائل کے ذریعے مسلسل لگے رہنا ہی کامیابی ہے یعنی دعوت کی راہ میں اور اس راہ میں لگے جس مرحلے پر بھی موت آ جائے آپ کامیاب و کامران خواہ دعوت کے لیے سوچے مرحلوں میں سے کوئی مرحلہ بھی آپ نے طے نہ کیا ہو اور راہ میں نشاط و انشراح کے ساتھ لگے رہنے والوں کے لیے فکری اور ذہنی اطمینان و سکون بھی ناگزیر ہے اور اس طرح کے وسوسوں سے بچنا اور خدا کے دامن میں پناہ لینا بھی ضروری ہے آیت کوٹ کی گئی کہ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی وسوسہ اور دغدغہ آ گھیرے تو اللہ کے دامن میں پناہ چاہو بے شک وہ سب کچھ سننے اور جاننے والے آگے مصنف لکھتا ہے دراصل آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ انتہائی گہرائی اور گہرائی سے حالات کا جائزہ لے کر منصوبہ بنائیں اخلاص یکسوئی اور تسلسل کے ساتھ اللہ کی راہ میں کام کرتے رہیں اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں پر نگاہ رکھیں استغفار کرتے رہیں لیکن آپ کی کوششوں کو بارآور ہونا بہترین ثمرات اور نتائج برآمد کرنا یہ خالص اللہ کا کام ہے آپ اپنے حصے کا کام پوری ذمہ داری اور جوش و خروش اور نشاط کے ساتھ کرتے رہیں لیکن اللہ کا کام اپنے ذمے نہ لیں اللہ کا کام اس پر چھوڑ دیں اور یہ یقین رکھیں کہ اس راہ میں جان و مال سے لگے رہنا اور لگے لگے اپنی جان آفری کے سپرد کر دینا ہی اصل کامیابی ہے اور اس راہ میں دائی حق کو کسی مرحلے میں موت آ جائے وہ کامیاب و کامران ہے اور یقیناً اس کی زندگی اقامت دین اور غلبہ دین کی راہ میں کام آئی اور وہ اللہ کی یہاں اس کے صلے کا مستحق قرار پائے گا عزیز ساتھیوں یہ ایک اہم لٹریچر تھا جو میں نے سوچا تھا میں آپ کے ساتھ اس موقع پر شیئر کروں ترجمہ آگے بڑھتے ہیں ترجمہ اور آگے
सॉरी, और अगर तुम लोग बदला लो, और अगर तुम लोग बदला लो तो बस इसी कदर ले लो जिस कदर तुम पर ज्यादती की गई हो, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो यकीनन ये सब्र करने वालों ही के हक में बेहतर है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र से काम किए जाओ और तुम्हारा ये सब्र अल्लाह ही की तौफीक से है। इन लोगों की हरकत पर रंज ना करो और ना इनकी चालबाजियों पर दिल तंग हो। अल्लाह उन लोगों के साथ है जो तकवा से काम लेते हैं और एहसान पर अमल करते हैं। अजीज साथी, उसके साथ ही हमारी सूरह नहल मुकम्मल हुई और पारा भी अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह अब वक्त है हदीस का। आज की हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रश्क तो बस दो ही आदमियों पर हो सकता है, एक तो इस पर जिसे अल्लाह ने कुरान मजीद का इल्म दिया और वो इसके साथ रात की घड़ियों में खड़ा होकर नमाज पढ़ता रहा, और दूसरा आदमी वो जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया और वो इस मोहताजों पर रात दिन खैरात करता रहा। ये सही बुखारी की हदीस है। अजीज साथियों, आज की दुआ लैला नीम शब से, اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے اللہ میرے نفس کو اس کے مناسب حال تقوا عطا کر اور اسے پاک کر دے، تو ہی اسے سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا آقا اور مالک ہے. اب وقت ہے وامر و نواہی کا، پلیز شو کر دیجئے. آج کے جو وامر و نواہی، اس پلیز اس کو ذرا زوم کر دیجئے گا، اس کو میں، میرے لیے اس طرح پڑھنا تھوڑا مشکل ہے. جی اوابر ہے پارے کے، اللہ کی مندگی کرنا، تقوی، اللہ سے امید رکھنا، اللہ کا خوف کرنا، اہل ایمان کے لیے نرم ہونا، اللہ کا پیغام علل اعلان بیان کرنا، مشرکین سے اعراض کرنا، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنا. سلائیڈ کو موو کر دیجیے. جی اب یہ ہیں اس کے نواحی شروع کی، پیغمبروں کا مذاق اڑانا، اللہ کی نشانیوں کا انکار، تکبر کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، برائی پر اڑے رہنا، آیات الہی سے راز کرنا، دنیا کا طلبگار ہونا. ٹھیک ہے، کچھ مزید اوامر و نواہی اب سورہ نحل کے حوالے سے، اس کو پلیز اوپر کیجئے سلائیڈ کو. جی تقوی، اللہ ہی سے ہدایت کا طلبگار ہونا، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا، کلام الہی کو سب سے بہتر بات سمجھنا، اللہ ہی کی عبادت اور طاغوت سے اجتناب، جھٹلانے والوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا، راہ خدا میں ہجرت کرنا، صبر اور توکل، اہل علم سے علم سیکھنا، اللہ کا خوف رکھنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا، عدل کی بات کرنا، صحیح راستے پر قائم رہنا، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اللہ کا فرما بردار ہونا، عدل، احسان اور صلہ رحمی، اللہ کے عہد کو پورا کرنا، صبر، ایمان اور اعمال صالح، تلاوت قرآن کے وقت تعوذ کا اہتمام، توکل، ہجرت، جہاد اور صبر، حلال اور طیب رزق کھانا، توبہ و اصلاح عمل، یکسو ہو کر اللہ کا فرما بردار ہونا، ملت ابراہیم کی پیروی، اللہ کی طرف دعوت دینا، بدلہ اتنا لیا جائے جتنی زیادتی کی گئی ہو، معاف کرنا اور صبر کرنا بہتر ہے، تقوی اور احسان کی روش. یہ تھے سورہ نحل کے اوامر. عزیز ساتھیوں، اب اچھا اس کی نواحی کی سلائیڈز جو ہیں، چلیں آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے. عزیز ساتھیوں، میری طرف سے آج کا سیشن مکمل ہوا، اور اب میں مائک
ऑर्गेनाइजर्स को देती हूँ मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकअल्लाहु खैरन कसीरा आलिया बाजी। अल्लाह ताला हमको इस बेहतरीन फहम का को अपने अमल का हिस्सा बनाने की पूरी तौफीक अता फरमाए। नजफ बाजी आप दुआ करवा दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी आपकी आवाज ओके है, आप दुआ करवा दीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ إِلَٰهِي میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے اور صرف تو ہی گناہوں کو بخش سکتا ہے، بس اپنی خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا رحم والا ہے۔ اللہم انی اسالک ایمانا مستقیما وفضلا دائما ونظرا رحمتا وعقلا کاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفیقا احسانا وصبرا جمیلا وَصَبْرًا جَمِيلًا وَأَجْرًا عَظِيمًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَبَدَنًا صَابِرًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَعَمَلًا مَقْبُولًا وَدُعَاءً مُسْتَجَابًا وَلِقَاءَ اللَّهِ نَصِيبًا وَجَنَّةً فِرْدَوْسًا وَنَعِيمًا مُقِيمًا وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ وَصَحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایمان مستقیم کا اور فضل دائم کا اور نظر رحمت کا اور عقل کامل کا اور علم نافع کا اور دل روشن کا اور احسان کی توفیق کا اور عمدہ صبر کا اور بڑے اجر کا اور ذکر کرنے والی زبان کا اور بدن صبر کرنے والے کا اور رزق فراغ کا اور کوشش مشکور کا اور گناہ مغفور کا اور عمل مقبول کا اور دعا منظور کا اور دیدار اللہ کے حصے کا اور جنت الفردوس کا اور ہمیشہ کی نعمت کا اور خدا کی رحمت اور اس کی تمام خلقت کے بہترین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ سب پر تیری رحمت کے ساتھ، اے سب سے بڑے بڑھ کر رحم کرنے والے میرے پیارے اللہ، ہم سب کو معاف فرما، ہمیں اپنی معرفت اور قرب الہی نصیب فرما۔ یا حیو یا قیوم، اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم انی اسالک توبۃ النصوح قبل الموت، اللہ ہمیں توبۃ النصوح موت سے پہلے اس کی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم فرما دے۔ اللہم انی اسالک حسن الخاتمہ، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔ ہمارے والدین پر رحم فرما، اور پورے عالم پر جو اس وبا سے خوف کی کیفیت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں نجات دلا، اور سب بیماروں کو جدھر جدھر بھی ہیں دنیا کے جس جس گوشے میں مسلمان تکلیف میں دکھ میں اللہ تعالیٰ ہیں، ان کو ان کے تکلیف دکھ اور بیماری کو دور فرما، اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، تیرے مقرب بندے خلوتوں میں تیرے قریب تیرا قرب ڈھونڈتے ہیں، ان میں شامل فرما، ہمیں اپنا قرب عطا فرما، ہمیں اپنا قرب عطا فرما میرے مالک۔
आलिया बहन और इनके साथ जो पूरी टीम इस दौरे कुरान को बेहतरीन अंदाज में पेश करने की कोशिशों में मसरूफ हैं, या खालिक या मेरे मालिक इन सब को अजरे अजीम अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا كثيرا نجف باجی آپ نے بڑی جامع دعا کروائی الحمدللہ پیاری بہنوں آج کا سیشن ہمارا مکمل ہوا انشاءاللہ تعالی کل کے سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ